good morning everyone welcome back to dhuru da education channel and we have already discussed two, two parts of this session biology Lokan 2022 and today we will discuss about heredity uh, cells or digestive systems and vitamins uh, all questions of these topics are the most important for all state पी एग्जाम आर ओ आर ओ एग्जाम्स एंड वन डे टाइप्स एग्जाम्स सो प्लीज़ लिसन केयरफुली आवर वीडियोज़ एंड लाइक लाइक दीज वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल आल्सो सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फर्स्ट क्वेश्चन है दीज ऑर्गेनल इन द सेल अदर दैन द न्यूक्लियस कंटेंस डी एन ए इसमें बताना है कि न्यूक्लियस के अलावा सेल्स का कौन सा ऑर्गेनल डीएनए रखता है किसमें डीएनए पाया जाता है तो इसका आंसर है माइटोकड्रियन बिसाइड्स द न्यूक्लियस डीएनए इज आल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल्स विच इज़ अ जेनेटिक मटेरियल एंड कैरीज द सेम्पटम्स साइंस ऑफ क्रिएचर्स टू डिसेंडेंट्स फ्रॉम ए पेरेंट लाइक ए होरोस्कोप डी एन ए से जो हमारे डिसेंडेंट्स हैं उनके सिम्टम्स हमारे अंदर आते हैं ठीक है तो माइटोकॉन्ड्रियन में डी एन ए पाया जाता है न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रियन में भी पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विस वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये है फर्स्ट सी इसका आंसर है सी वायरोइड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेनड आर एन ए मोलिक्यूल्स इसमें कहा कि जो वायरोइड्स होता है वो सिंगल स्ट्रेनड आर एन ए मोलिक्यूल्स से कंसिस्ट होता है तो ये स्टेटमेंट इसका सही है एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका प्रायंस प्रायंस आर ए स्मॉलेस्ट प्रोटीन प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल माइकोप्लाज्मा इज ए जेनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक ए सैलवाल माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया की तरह से ही होता है और इसमें सेलवाल की कमी होती है अराउंड दे सेल मेम्ब्रेन वायराइड्स आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजेंस नॉन कंसिस्टिंग सोलेली ऑफ शॉर्ट स्ट्रेंड्स ऑफ सर्कुलर सिंगल स्ट्रेंडेड आर एन ए विदाउट प्रोटीन कॉट्स दे आर मोस्टली प्लांट पैथोजेंस सम ऑफ विच आर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और रिकेट्सिया इज ए जेनस ऑफ नॉन मोटाइल ग्रामनेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग हाईली फ्लैम्फिक बैक्टीरिया दे हैव सेल वाल तो इसमें बताया है कि जो वो वायरोइड्स होता है वो क्या है एक स्मालेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजेंस है और किससे बना होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए से बिना प्रोटीन कोड्स के नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स बताना है क्या कि इनमें से ये जितने इस्टेटमेंट दिए गए हैं करेक्ट स्टेटमेंट छाटना है जो प्लांट और एनिमल सेल प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंस बता रहा है ठीक है तो इसका आंसर होगा वन एंड थ्री तो वन में क्या है प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोर्स प्लांट सेल में क्या होता है सेल्यूलोर्स सेल्यूलोज सेलवाल वायल एनिमल सेल्स डू नॉट इनके अंदर तो सेलूलोज सेलवाल cell होती है प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर नहीं होती है तो ये सेंटेंस क्या है करेक्ट है सेकेंड है प्लांट सेल्स डू नाट हैव प्लाज्मा प्लांट सेल में प्लाज्मा नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू जबकि एनिमल सेल्स में होता है तो ये रॉन्ग है जबकि प्लांट क्योंकि प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ओके okay. थर्ड है मैच्योर प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है जबकि एनिमल सेल में कैसा होता है स्मॉल वैक्यूल्स होता है तो ये भी क्या है करेक्ट है तो वन एंड थ्री क्या है करेक्ट है एक्सप्लेनेशन सेल सेलवाल इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट ठीक है प्लांट की सेल में पाई जाती है सेल सेलवाल विच इज़ विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलज जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है इट प्रोवाइड्स द सेल स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड अ फिल्टरिंग मकैनिज्म एनिमल सेल्स लैक सेलवाल एनिमल के अंदर सेलवाल नहीं होती है दस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ ऑल सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट ठीक है प्लाज्मा मैम्ब्रेन जो होती है वो एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो कि जो सेल की जो इंटीरियर सेपरेट द इंटीरियर ऑफ ऑल सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट जो कि सेल के जो इंटीरियर पार्ट होते हैं उनको क्या करती है आउटसाइड एनवायरमेंट से अलग करती है विच प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट एनिमल सेल्स एज वेल एज प्लांट सेल्स हैव प्लाज्मा मेमब्रेन हैंज स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट ए वैक्यूल इज ए मेम्बरेन बाउंड सेल ऑर्गेनल विच आर एनक्लोज्ड कंपार्टमेंट्स फील्ड विद वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स मोस्ट मैचोर प्लांट सेल हैन लार्ज वैक्यूल वाइल्ड एंड एनिमल सेल कंटें सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स प्लांट के अंदर तो एक क्या होती है वन लार्ज वैक्यूल होती है जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होती हैं छोटी छोटी बहुत सारी वैक्ल्स होती हैं परफॉर्मिंग वरियस फंक्शंस ठीक है तो इसलिए क्या है थर्ड सेंटेंस भी क्या है करेक्ट है चलिए नेक्स्ट हाउ डज द प्लान सेल डिफर फ्राम द एनिमल सेल कैसे डिफर हैं प्लांट सेल एनिमल सेल से प्रेजेंस ऑफोपल प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंस के कारण ए प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वाल द आउटर शैल इन ए प्लान सेल विच इज अ मेड फ्रॉम सेल्यूलोर इज ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज सेल वाल विच इज़ नोट फाउंड इन द एनिमल सेल एक्सेप्ट दिस ग्रीन प्लास्टिको फाउंड इन प्लांट सेल्स वाइल नॉट इन एनिमल सेल एक तो सेल वाल पाई जाती है प्लांट के अंदर जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है और एक ध्यान रखना है इसके अंदर प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं प्लास्टिड्स होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते है। ये डिफरेंस है नेक्स्ट है व्हाट इज़ नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है तो सेल वाल ऑफ ये किस में मिलती है प्लांट में नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज़ कॉल्ड पावर हाउस पावर पावर हाउस किसको बोलते हैं किसको बोलते हैं माइटोकोंड्रिया को एनिमल सेल का एक पार्ट है माइट्रोकोन्टे जिसको पावर हाउस बोलते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ कंटेन सेल मेम्ब्रेन दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ये सब मिलते हैं इसमें किसमें एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी द न्यूक्लियस हैज़ टू मेजर फंक्शंस इट स्टोर्स द सेल ही मटेरियल और डीएनए एन किस में मिलता है ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एंड इट कोऑर्डिनेट्स द सेल एक्टिविटीज विद इन सेल्स द माइटोकोन्ड्रियान इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन मोस्ट यूकेरियोटिक सेल्स माइटोकोन्ड्रिया रेंज फ्रॉम जीरो पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट जीरो माइक्रोन इन डायामीटर दीज स्ट्रक्चर आर समटाइम्स डिस्क्राइब एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एज दे जनरेट एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं एनर्जी जनरेट करते हैं ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन द इनिशियल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड देन इन माइट्रोकॉन्ड्रिया ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल इज कार्ड पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं यह है माइट्रोक्रिया एक्सप्लेनेशन ऊपर दे दिया इसका नेक्स्ट है द पावर हाउस ऑफ सेल इज़ माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल का पावर हाउस माइट्रोक्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ बिल्ट अप ऑफ किसका बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसका आंसर है क्या ए एंड बी तो मतलब प्रोटीन और लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड सेल मेम्ब्रेन आल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं किसको सेल मेम्ब्रेन को इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन द सेपरेट द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट इट इज़ कम्पोज ऑफ टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड एम्बेडिड विथ प्रोटीन्स नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोविंग सेल ऑर्गेनल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस में सिग्निफिकेंट रोल निभाता है कौन सा सेल का कौन सा ऑर्गेनल ये है एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम एंड रैबोसोम ठीक है द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ई आर इसकी शॉर्ट फॉर्म है इज नेम्ड एज सच बिकॉज इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज लीटर्ड विद राइबोसोम्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रॉइबोसोम्स नेक्स्ट द सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्रामड सेल डैथ आर नॉन एज क्या बोलते हैं इसको एपोप्टोसिस Ap द सेल्युलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ ठीक है सेल डेथ के प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं वे सेल्युलर और मोलिकुलर उनको क्या कहा जाता है ये बताना है तो उनको बोलते हैं एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामड सेल डेथ दैट मे ओकर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एपोप्टोसिस प्ले ए क्रूसियल रोल इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ बॉडी बाई इलिमिनेटिंग ऑल्ड अननेसरी एंड अनहेल्दी सेल्स ठीक है नेक्स्ट है वन टर्म दैट जनरेट्स द मैगजिम नंबर ऑफ ए टी पी एटम्स इन आवर सिस्टम्स वन टर्म जो कि जनरेट करता है मैगजिम नंबर ए टी पी के ए टी पी एटम्स के किस में हमारे सिस्टम में तो उसको क्या बोलते हैं ये हैं क्रैब साइकल क्रैप साइकिल जो है ये ए टी एटम्स के बहुत सारे जो नंबर होते हैं उनको हमारे सिस्टम में क्या करता है ये जेनरेट करता है साइकिल इन इस इज अ साइकल ऑफ़ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इन लिविंग सेल्स दैट इज़ द फाइनल सीरीज ऑफ रिएक्शंस ऑफ एरोबिक मेटा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड्स ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एंड ए टी पी इज फॉर्म क्रैबसाइकल जेनरेट द मैग्म नंबर ऑफ ए टी पी आइटम्स इन आवर सिस्टम ठीक है इसका फॉर्मूला है क्रैबसाइकल का सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ओ टू ठीक है और फिर क्या बनेगा सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस एनर्जी ठीक है इन न्यूक्रियोटिक सेल दाइट्रिक सिट्रिक एसिड साइकिल ओकर इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइ टो कॉन्ड्रियन द साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय बाई क्रेब इन 1937 ये साइकिल क्रेब ने डिस्कस डिस्कवर्ड की थी और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया है क्रैब साइकिल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन हैं तो ये हैं ग्रेगर जॉन मैंडेल द ला इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रेगर जॉन मैंडेल ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके फादर बोला जाता है ग्रेगर जॉन मैंडल को द साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं जी जे मैंडेल ग्रेगर जॉन मैंडेल ठीक है नेक्स्ट द क्लासिकल मैंडेल मैंडेल्स वर्क ऑन हीज ला ऑफ इनहेरिटेंस वाज परफॉर्म ऑन द ऑर्गेनिज्म तो ये है गार्डन पी इन्होंने किस पे अपना जो परफॉर्म करके देखा था इन्होंने इन्होंने जो इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था तो ये पूछ रहे हैं कि वो किस ऑर्गेनिज्म पे इन्होंने परफॉर्म किया था मैंडेल ने तो ये किया था इन्होंने गार्डन पी पे हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन वाज एक्सपेरिमेंटेड ऑन गार्डन पी प्लांट फर्स्ट बाय ग्रेगर मैंडेल आफ्टर स्टडिंग द सेवन टाइप्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ पी

नेक्स्ट जीनोम मैपिंग रिलेट्स टू जीनोम मैपिंग किससे रिलेट किससे रिलेटेड है ये तो ये है मैपिंग ऑफ जीन्स जीन्स की मैपिंग से रिलेटेड है कौन जीनोम मैपिंग जीन मैपिंग इज द मेथड यूज़ फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ जीन एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम ठीक है द इसेंस ऑफ ऑल जीनोम मैपिंग इज टू इज टू प्लेस ए कलेक्शन ऑफ मोलिकुलर मार्कर्स यू ऑन टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन ऑन द जीनोम मोलिकुलर मार्कर्स कम इन ऑल फॉर्म्स जीन्स कैन बी विव एज वन स्पेशल टाइप ऑफ जेनेटिक मार्करस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोम मैप्स एंड मैपड द सेम वे एज एनी अदर मार्कर्स ओके नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ हेयर डी टी इज़ इन इन आवर बॉडी इज कार्ल्ड क्या बोलते हैं जो हमारी बॉडी में जो हेयर डी टी की यूनिट है उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं जीन बोलते हैं जीन, बोलते हैं, जीन. जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन विच कंसिस्ट ऑफ डीएनए, डीएनए के बने होते हैं आर द जेनेटिक मटेरियल एंड यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये इन ह्यूमन जीन्स वेरी इन साइज फ्रॉम ए फीव हंड्रेड डी एन ए बेसिस टू मोर देन टू मिलियन बेसिस नेक्स्ट है जीन इज जीन क्या है अगमेंट ऑफ डी एन ए डी एन ए का सिगमेंट है जीन इन ईच क्रोमोसोम डी एन एज़ अ वेरी लॉन्ग एंड कोइल्ड मोलिक्यूल एंड द स्मॉल पार्ट्स ऑफ दिस मोलिक्यूल आरकार्ड जीन जनरली ए जीन कंटेंस फाइव थाउजेंड टू टेन वन लाख पेयर न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स ऑफ डी एन ए मोलिक्यूल्स इतने पेयर न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स होते हैं एक जीन के अंदर ठीक है नेक्स्ट है द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड्स आर क्या है जेनेटिक कोड्स के करैक्टरिस्टिक फ़ीचर तो ये हैं सभी हैं जितने भी इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं क्या क्या दिए हैं अभी इट इज़ आजवेज़ यूनिवर्सल क्या है जेनेटिक कोड्स क्या हैं यूनिवर्सल हैं इट इज़ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्वेंटी एमिनो एसिड्स एंड इट इज़ नॉन ओवरलैपिंग नॉन एम्बीगस एंड कोमालेस नॉन ओवरलैपिंग है नॉन एम्बीगस है और क्या है कोमा लेस हैं इट हैज़ स्टार्ट एंड स्टॉप कोडन स्टार्ट एंड स्टॉप कोडन है एक्सप्लेनेशन है जेनेटिक कोड का जेनेटिक कोड इज़ द सेट ऑफ रूल्स यूज बाय लिविंग सेल्स टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन एंड कोडिड विद जेनेटिक मटेरियल डीएनए और एमआरएनए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट और कोडोन्स into proteins in other अदरवर्ड the genetic code may be defined as the exact sequence of dna ठीक है जेनेटिक कोड को डीएनए का एग्जैक्ट सीक्वेंस बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स रीड एज द थ्री लेटर वर्ड्स और कोडोन्स दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन सिंथेसिस देयर आर सिक्सटी फोर कोडोन्स विच कोरस्पॉन्ड टू ट्वेंटी एमिनो एसिड्स एंड टू सिग्नल्स फॉर द इनिशियशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ईच ट्रिपलेट स्पेसिफाइज वन एमिनो एसिड इन ए प्रोटीन स्ट्रक्चर और ए स्टार्ट सिग्नल और स्टॉप सिग्नल इन प्रोटीन सिंथेसिस विद थ्री एक्सेप्शन ईच का कोडोन एंड कॉड्स फॉर वन ऑफ द ट्वेंटी एमिनो एसिड्स यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स देर आर सिक्सटी वन सेंस कोडोन्स इन द जेनेटिक कोड्स विच कोड फॉर ट्वेंटी एमिनो एसिड दोज कोडोन्स दैट कोर्ड्स फॉर सिग्नल्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथिस आर नोन एज सिग्नल सिग्नल कोडोन्स देर आर फोर कोडोन्स विच कोड फॉर सिग्नल दिज आर ए यूजी स्टार्ट कोडोन बोलते हैं यू ए ए यू ए जी एंड यू जी एक है यू जी ए को क्या बोलते हैं स्टॉप कोडोन्स ए यू जी कोडोन आल्सो कोड्स फॉर द एमिनो एसिड मिथ्योनाइन The genetic कोड इज़ always यूनिवर्सल comma-less, नॉन ओवरलैपिंग नॉन एम्बिगस एंड redundant. नेक्स्ट है चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद विद इन आस जीन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको म्यूटेशन जीन के अंदर जो चेंज आता है ठीक है उसको क्या बोलते हैं म्यूटेशन ए जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेयर चेंज इन द बेस सिक्वेंस विद इन ए जीन इज़ म्यूटेंट म्यूटेशन म्यूटेशन इज द चेंजिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन रिजल्टिंग इन ए वेरिएंट फॉर्म दैट मे बी ट्रांसमिटेड टू द सबसिक्वेंट जेनरेशंस म्यूटेशन इज द अल्टीमेट श्योर्स ऑफ ऑल जेनेटिक वेरिएशन प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल ऑन विच इवोल्यूशनरी फोर्स सच एज नेचुरल सेलेक्शन कैन एक्ट म्यूटेशन पता चल गया ना जैसे कोरोना वायरस कोरोना आया था अभी और उसमें जो वायरस था वो बार बार क्या कर रहा था म्यूटेशन कर रहा था वो बार बार अपनी जैसे उसका साइज था स्ट्रक्चर था उसको बार बार वो चेंज कर रहा था ठीक है तो ऐसे ही जब जीन में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं नेक्स्ट है हेयर डिटेरी सैम्टम्स आर मूव इन द डिसेंडेंट ऑफ क्रिएचर्स बाय क्रोमोसोम हेयर डिटेरी सैम्टम्स जो हैं जो मूव होते हैं डिसेंडेंट में क्रिएचर के तो वे किससे होते हैं क्रोमोसोम्स इन द डिसेंडेंट ऑफ क्रिएचर्स द हेयर डिटेरी सैम्ट आर मूव्ड बाई क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स के द्वारा भी मूव होते हैं दीज आर मेड फ्राम न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं द टर्म क्रोमोसोम वॉज कॉइन्ड बाय वाल्डेयर क्रोमोसोम जो टर्म है वो किसके द्वारा कोयन किया गया है वाल्डेयर के द्वारा द स्मॉल पीसीज ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ सेल्स आर नोन एज क्रोमोसोम बोलते हैं जो स्मॉल पीसीज होते हैं क्रोमेटिन के और जब सेल का पार्टीशन होता है उस दौरान ये स्मॉल पीसीस बनते हैं तो इनको क्या बोलते हैं क्रोमोसोम ऑन विच जीन्स आर फाउंड और जिस पे जीन्स पाए जाते हैं अब क्वेश्चन वन डे एग्जाम में तो ऐसा भी पूछ लेंगे कि जीन्स पे पाए जाते हैं है ना या ऑन नीच ऑर्गेनल ऑफ सेल्स जीन आर फाउंड ठीक है तो हम बताएंगे क्रोमोसोम नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेयर डिटेरी करेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल कौन सा रेस्पॉन्सिबल है इसमें फॉर कंट्रोलिंग हेयर डिटेरी करेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल में हेयर डिटेरी करेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है तो ये है डी एन ए डी एन ए इज रेस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांस ट्रांसफेयरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाइल आर एन ए डायरेक्टली कोड फॉर एमिनो एसिड एंड एक्ट एज ए मैसेंजर बिटवीन डी एन एंड राइबोसोम टू मेक प्रोटीन्स डीएनए तो क्या है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है जबकि जो आर है वो एक मैसेंजर का काम करता है डी के और राइबोसोम के बीच में क्या करता है प्रोटीन बनाता है हाव एवर स्टडी सॉव दैट आर एन ए रिप्लेस डी एन ए इन सम वायरस लाइक टोबैको मोजे वायरस है जिसे और क्यू बी बैक्टेरियो फेज़ है ई इसमें जो है डीएनए की जगह कौन ले लेता है आरएनए ले लेता है सो नॉट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ डीएनए एन एज द आयर हेयर डिटेरी मटेरियल सम हैव आरएनए बट डीएनए इज़ द प्रीडोमिनेट वन एंड इन द मेजॉरिटी ऑफ हायर लेवल ऑर्गेनिज्म आर एन प्लेज द रोल ऑफ ए मैसेंजर ठीक है तो ये कहा गया है कि कुछ में जैसे अभी बताया इन्होंने मोजेक वायरस है जैसे और क्यू बी बैक्टेरियो फेज है इनमें तो आर काम करता है हेयर डिटेरी का है ना और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है ट्रांसफ़र करता है और और बाकी में मतलब मोस्टली काम ये इस काम को कौन करता है डीएनए ही करता है इसलिए डीएनए को ही क्या कहा गया है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ठीक है क्या कहा गया है डी एन ए को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बताया गया है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डी एन ए मेक्स इट यूनिकली सूटड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन इसका आंसर है कॉम्प्ली कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ द टू स्टूडेंट्स डी एन ए इज ए डबल हेलिक्स विद द सुगर फास्फेट बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल डबल हेलिक्स होता है ना जी एन ए में इस तरह से करके और इस तरह से बना होता है ना ये जी एन डी एन ए का ये स्ट्रक्चर होता है आर एन ए में केवल आर एन ए वन स्टैंड होता है डी एन ए में डबल हेलिक्स होते हैं विद द सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द मोलिक्यूल द बेसिस आर ऑन द इनसाइड ओरिएंटेड सच दैट हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्मड बिटवीन प्यूरिनेस एंड पिरीमिडीनेस ऑन अपोजिट चैंस द बेस pairing is very specific a will always pair with t g with c and amount of adenine a is always equal to that of thymine t and the amount of guanine g to that of cytosine c because of this specific base pairing the two strands of a dna molecules are complementary ईच स्ट्रेंड कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सिक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन अदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड पेयरिंग बिटवीन डी एन ई स्ट्रेंड्स मेक इट यूनिकली सूटड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन ठीक है दिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड पेयरिंग अलो सेल्स टू कॉपी इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन की कॉपी करने का हलो करते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है इसकी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करते हैं ये हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड इवन फाइंड एंड रिपेयर डैमेज टू ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द सवेंस अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि डी एन ए के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं एक तो क्या पाए जाते इसमें होता है एडिनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन ये पाए जाते हैं इसके अंदर डीएनए के नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजिज जेनेटिक वेरिएशंस बिकॉज़ ऑफ बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स और क्रोमोसोमल चेंज और शफलिंग ऑफ जीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट सेल ईच पेरेंट गिव सम ऑफ द स्प्रिंग क्योंकि टू पेरेंट सेल से तो रिप्रोडक्शन होता है और जो दोनों पेरेंट सेल होती हैं वो अपना अलग अलग ट्रेट्स देते हैं किसको ऑफिस स्प्रिंग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ ब्लैंडिंग ऑफ जीन्स और क्रोमोसोमल चेंज और शफलिंग ऑफ जीन्स ठीक है नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय किसने दी है क्रोमोसोमल थ्योरी किसकी इनहेरिटेंस की तो ये किसने दी है सूटन एंड बोवेरी ने द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इन्हेरिटेंस इज़ क्रिएटेड टू पेपर्स बाय वाल्टर सुटन इन नाइनटीन जीरो टू एंड नाइनटीन जीरो थ्री एज वेल एज़ टू इंडिपेंडेंट वर्क बाय थियोडोर बोवेरी ड्यूरिंग रफली द सेम पीरियड इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स विच आइडेंटिफाई क्रोमोसोम एज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटीरियल ठीक है इस थ्योरी में क्रोमोसोम्स को पाया गया है जेनेटिक मटेरियल्स का कैरियर के रूप में It correctly explains the mechanism underlying the law of Mendelian inheritance by identifying chromosomes with the paired factors required by Mendel's law. It also states that chromosomes are linear structure with genes located at specific sites called loci along them. Although it was Mendel who had initially put forth the theory of genes. अफेक्टिंग करैक्टर ही वॉज एनेबल टू गेन एनी रिकोगशन फॉर इट दैन इन नाइनटीन हंड्रेड थ्री साइंटिस्ट डी वेरीज और कॉरेन्स एंड चैकमार्क चैरमार्क इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स एग्जिस्टिंग इन साइड द न्यूक्लियस दस प्रूविंग मैंस थ्योरी ठीक है इन्होंने क्रोमोसोम की डिस्क खोज करी थी किस लिए ताकि मैंडल की थ्योरी को क्या कर सके प्रूव कर सके दिस थ्योरी वाज द फॉर्मली स्टेबलिस्ट इन नाइनटीन जीरो टू से नाइनटीन जीरो थ्री बाई सूटन एंड बोवरी दे कम्पेयर द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम टू जीन्स एंड डिडक डिड्यूसड सर्टीन पैरिल्स दस जस्टिफाई मैं लॉ इन्होंने क्या किया था अपनी इसमें थ्योरी में इन्होंने किया था इनकी जीन्स के जो जीन थे जीन के अंदर जो क्रोमोसोम थे उनके बिहेव को कंपेयर करके देखा था ठीक है इन नाइनटीन फिफ्टीन थोमस हंट मॉर्गन्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक लिंकेज इन द फ्रूट बाय ड्रोसोफेलिया मेलोन गैस्चर प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रोवर्टवर्टिबल एविडेंस फॉर दिस थ्योरी ठीक है वाल्डेयर हैज कॉनड द टर्म क्रोमोसोम टर्म किसने दिया है ये दिया है वाल्डेयर ने वनडे एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि क्रोमोसोम वर्ड किसने दिया है तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड ईयर टू डिस्क्राइब बेसोफीलिक स्ट्रेनर फिलाेंट इन साइड द सेल न्यूक्लियस इट इज़ टू बी नोटेड दैट जे पी एस सी सैड इन रिवाइज आंसर की दैट वो संसार इन करें ठीक है नेक्स्ट है हु फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन मोलिक्यूल डी एन ए तो ये है डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इन्होंने जो जीन की स्ट्रक्चर की जो आउटलाइन है पहली आउटलाइन जो है वो क्या की है वो फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन मोलिक्यूल जीन मोलिक्यूल की आउटलाइन स्ट्रक्चर बताई है इन्होंने किसने बताई है जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने जेम्स डेवी वाटसन सिक्स अप्रैल नाइनटीन ट्वेंटी एट में बॉर्न हुए थे वाज़न अमेरिकन थे ये वाटसन मोलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जेंटिस्ट एंड जूलॉजिस्ट बेस्ट नोन एज वन ऑफ द को डिस्कवर्स ऑफ द स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डी 1953 नाइनटीन में इन्होंने डी का डबल हेलिक्स मॉडल बताया था किसके साथ मिलके फ्रांसिस क्रिक के साथ वाटसन क्रिक एंड मोरिस विल्किंस वर अवार्डेड द सिक्सटीन सिक्सटी टू में नाइनटीन सिक्सटी टू में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इन फिजियोलॉजी और मेडिशियन फॉर देयर डिस्कवरीज़ कंसर्निंग द मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र इन लिविंग मटेरियल तो इन्होंने क्या बताया था डी एन ए के क्या बताए थे इन्होंने ये डबल हेलिक्स जो थी इसकी आउटर स्ट्रक्चर को बताया था किसने बताया था ये फ्रांसिस क्रिक ने और वाटसन ने ठीक है नेक्स्ट है जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ किस डिस्कवरी से रिलेटेड है ये तो ये हैं इससे स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए डी एन ए का स्ट्रक्चर दिया था इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज़ प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम द डबल हैलिक्स मॉडल ऑफ डी एन ए तो अभी बताया है वाटसन एंड क्रिक नोबल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वाट्सन इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया किस एरिया में जाने जाते हैं किस एरिया में इन्होंने वर्क किया था जिससे इन्हें नोबल प्राइज मिला था वाट्सन को तो इन्होंने किया था जेनेटिक्स में डबल हैलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए वज गिवन बाई हु किसने दिया था वाट्सन और क्रिक ने फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिसेचर फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड डिस्कवर डी एन ए इन एटीन सिक्सटी नाइन डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डी एन ए बाय जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इन नाइनटीन फिफ्टी थ्री हु डिस्कवर डी एन ए डी एन ए की खोज किसने की थी नो ऑफ वो तो इन्होंने बता दिया है फ्रेडरिक माइस्चर ठीक है इन्होंने क्या करा था डी एन ए को डिस्कवर किया था हरगोविंद खुराना इज़ क्रिएटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ़ कौन सी डिस्कवरी की थी इन्होंने की थी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन प्रोटीन के सिंथेसिस की हरगोविंद खुराना ने द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिशन इनमें इसको नोबेल प्राइज़ मिला था इनको हरगोविंद खुराना को 1968 में ये भी ध्यान रखना है कि हरगोविंद खुराना को कब नाइन कब नोबेल प्राइज़ मिला और किस फील्ड के लिए मिला तो फिजियोलॉजी और मेडिशियन में मिला है और 1968 में मिला था वाज अवार्डेड जॉइंटली टू रॉबर्ट डब्लू होले के साथ इनको अवार्ड मतलब पुरस्कार दिया गया था द गोविंद खुराना एंड मार्शल डब्लू और निरेन बर्ग फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड फंक्शन ऑफ़ डी एन इन प्रोटीन सिंथेसिस इन लेबोरेटरी हु डिड ऑफ डी एन ए तो ये थे खुराना डी एन ए सिंथेसिस के लिए लेबोरेट्री में डीएनए का सिंथेसिस किसने किया था तो कौन थे खुराना हु डिलीवर द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन जंपिंग जीन जंपिंग जीन का प्रिंसिपल किसने डिलीवर किया था ये थे बार बारा एम सी क्लिंटोक बार बारा एम सी क्लिंटोक थे बार बारा एम सी क्लिंटोक डिलीवर द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन जंपिंग जीन का प्रिंसिपल किसने दिया था बार बारा एम सी ने सी वाज अवारेड नोबल प्राइज इन 1983 में नोबल प्राइज़ मिला था फॉर दिस स्पेशल रिसर्च इन मेडिकल साइंस वाइल स्टडिंग ऑफ हेअर्डिटी इन द कॉर्न प्लांट ही सा दैट सम हेअर्डिटी एलिमेंट आर एबल टू मूव क्रोमोसोम्स शी फाउंड इन हर स्टडी दैट देयर आर सम स्पॉर्ट्स ऑन द ग्रीन्स कि ग्रीन्स पर कुछ स्पोर्ट्स हैं ऑफ़ कॉर्न कॉर्न की जो ग्रीन है उन पर कुछ स्पोर्ट्स पाए थे इन्होंने बाई द हेयर डिटे हेयर डिटेरी चेंज डन बाय जम्पिंग जीन्स दैन द कंक्लूजन इज गीवन दैट एवरी शेल हैव दार्ट ऑफ डी एन ए विच आर इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट डी एन ए में डी एन ए के एवरी शेल हैव दार्ट ऑफ डी एन एन ए का पार्ट होता है हर सेल के अंदर और जो कि डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड प्रिजेंट इन डी एन ए डज नॉट फॉर्म एमिनो एसिड तो ये टायरोसिन, टायरोसिन कौन से कंपाउंड में बीच कंपाउंड प्रेजेंट डीएनए में प्रेजेंट होता है कौन सा कंपाउंड बट उसके अंदर क्या नहीं होता है अमीनो एसिड नहीं होता है तो ये है टायरोसिन, टायरोसिन और फोर हाइड्रो हाइड्रोफैनि लेनाइन इज वन ऑफ द ट्वेंटी टू एमिनो एसिड्स दैट आर यूज बाई सेल्स ऑफ सिंथिसाइज प्रोटीन्स इट कोडोन्स कोडोन्स और यू ए सी एंड यू ए यू इट इज ए नॉन एसेेंशियल अमोनो एसिड विद अ पोलर साइड ग्रुप इट वॉज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड इन एट्टीन फोर्टी सिक्स बाय जर्मन कैमिस्ट जस्टस वोन लीबिग इन द प्रोटीन कैसीन फ्रॉम चीज इट इज़ कार्ल टायरोसिल्व रेफर टू एज ए फंक्शनल ग्रुप और साइड चैन द सुगर प्रेजेंट इन डी एन एज कौन सी है डी ऑक्सी राइबोज जो डी एन ए में सुगर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज द डी ऑक्सी राइबोज इज सुगर इज फाउंड इन डी एन ए इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ फाइव कार्बन सुगर कार्ल्ड राइबोज और ये फाइव कार्बन सुगर का क्या है वेरिएंट है जिसको क्या बोलते हैं राइबोज बोलते हैं फाइव कार्बन शुगर को क्या बोलते हैं राइबोज द डी एन ए इज़ एन इंफॉर्मेशनल मोलिक्यूल डी एन ए एक इंफॉर्मेशनल मोलिक्यूल है फाउंड मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है राइजोम्स आर राइजोम्स क्या हैं आर एन ए है राइजोम्स राइजोबियम इज ए राइबो न्यूक्लिक एसिड आर एन ए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम दैट कैटालाइज ए केमिकल रिएक्शन द राइज राइबोजियम कैटालाइजिज स्पेसिफिक रिएक्शंस इन ए सिमिलर वे टू दैट ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स

नोबेल प्राइज़ भी मिला था क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पीसीज तो कितना होता है कंस्टेंट होते हैं किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं तो एक कंस्टेंट होते हैं द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेराइज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज बट इट रिमेंस कंस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर स्पीसीज इट डज़ नॉट चेंज विद द एज और हाइट एज और हाइट के अनुसार ये चेंज नहीं होते हैं इन मोस्ट एनिमल्स हाव एनी चेंज फ्रॉम द टिपिकल क्रोमोसोम नंबर फोर इस स्पीसीज मे बी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स ओके तो क्या है क्रोमोसोम्स का नंबर कैसा है तो ये है कांस्टेंट मतलब स्थिर है ये ये नहीं कि ज़्यादा हो गए हैं और कम हो गए हैं ये नहीं होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम्स किसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं तो है लिजार्ड कार्योटाइप्स ऑफ मैनी स्पेसीज ऑफ जेनस स्केलोपोरस सपोर्ट द दैट देयर आर नो मोर्फोलो मोरफोलॉजिकली रिकॉगनीजेबल सेक्स क्रोमोसोम्स इन लिजार्ड ठीक है तो सेक्स क्रोमोसोम लिजार्ड के अंदर नहीं होते हैं हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ए ह्यूमन ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं फोर्टी सिक्स इन ह्यूमन ईज सेल नॉर्मली कंटेंस ट्वेंटी थ्री पेयरस ऑफ क्रोमोसोम्स और टोटल ऑफ फोर्टी सिक्स ट्वेंटी टू ऑफ दिज पेयर्स कार्ड ऑटोसोम ट्वेंटी टू जो हैं इन पेयर के इनको क्या बोलते हैं ऑटोसोम्स बोलते हैं विच आर द सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होते हैं फीमेल में भी और मेल में भी द ट्वेंटी थर्ड पेयर दट सेक्स क्रोमोसोम्स डिफर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल ट्वेंटी थर्ड पेयर जो होती है क्रोमो सेक्स इनकी क्रोमोसोम की वो क्या होती है डिफर होती है डिफरेंट होती है फीमेल हैव टू कॉपीज ऑफ द एक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स वाइल मेल्स हैव वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम ठीक है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर फाउंड इन द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री पेयर पाई जाती हैं अब एसरसन है और उसका रीज़न है देखना है सही है या नहीं है इन ह्यूमन बींग्स द फीमेल प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफिस स्प्रिंग जो ऑफिसप्रिंग होता है उसको उसके सेक्स को डिटरमाइन करने में फीमेल का बहुत बड़ा रोल होता है रीजन क्या बताया है वुमेन हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स तो ये क्या है रीजन इसका रोंग है ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू ठीक है रीजन तो ट्रू है बट ये जो असहर सन दिया है कि फ़ीमेल का बहुत बड़ा रोल है तो ये फ़ीमेल का रोल नहीं होता है इसमें मेल का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उसी से डिसाइड होता है कि बेबी की गर्ल्स गर्ल्स ऑफ स्प्रिंग है गर्ल्स चाइल्ड है या फिर बॉय चाइल्ड है एक्स क्रोमोसोम इज वन ऑफ द टू सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स एलोसोम्स इन मैनी एनिमल स्पीसीज इंक्लूडिंग मेमल्स एंड इज फाउंड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स ईच पर्सन नॉर्मली हैज़ वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ईच शेल ठीक है फीमेल्स हैव टू एक्स एक्स क्रोमोसोम वेयर इज मेल्स हैव वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम एक्स ऑफ मेल एंड एक्स ऑफ फीमेल गिव बर्थ बर्थ टू ए फीमेल चाइल्ड अगर एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं फीमेल का भी एक्स है और मेल का भी एक्स अगर ये मैच करते हैं तो क्या होगा फीमेल चाइल्ड होगी लेकिन अगर वाई ऑफ मेल और एक्स ऑफ फीमेल गिव बर्थ टू मेल चाइल्ड लेकिन अगर मेल का वाई क्रोमोसोम है और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है तो ये किसको किसको जन्म देंगे ये फिर मेल चाइल्ड को दस इन ह्यूमन बींग द मेल्स प्ले मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ दिस मेल की बहुत बड़ी भूमिका होती है मेल्स जीन कॉन्स्टिटेंट इज क्या है एक्स वाई विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इन मैनकाइंड गिव बर्थ टू ए मेल चाइल्ड कौन कैसे होता है अभी बताया वाई ऑफ मेल एंड एक्स ऑफ फीमेल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन द सेल्स डी एन ए तो इसका आंसर है आंसर ए ओनली टू एक्सरे टेक्नीशियंस एक्सप्लेनेशन देख लें क्या इसका आंसर क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ ए परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए तो क्या है एक्सरे टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियंस आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ ए परमानेंट चेंज इन देयर सेल डीएनए एन एज कंपेयर टू अदर्स ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइज़र के रूप में किसका यूज़ किया जाता है तो ये किया जाता है वन एंड टू मतलब एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी बायोफर्टिलाइजर आर डिफाइनड एज प्रिपरेशंस कंटेनिंग लिविंग सेल्स Or latent cells of efficient strains of microorganisms that help crop plants uptake of nutrients by their interactions in the rhizosphere. When applied through seed or oil, they accelerate certain microbial processes in the soil, which augment the extent of availability of nutrient in a form easily assimilated by plants. They can be grouped in different ways. बेसडोदेर नेचर एंड फंक्शंस तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइज़र कौन से हैं यह है एजेटोबैक्टर और यह है बिज़र निकिया और क्लोस्ट्रीडम क्लेबेसिलिया एनाबेना नोस्टोक चिजोबियम फ्रैंकिया और एनाबेना एजोला ठीक है ये क्या है नाइट्रोजन फिक्सिंग फर्टी बायो फर्टिलाइज़र है फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग मोबलाइजिंग फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं ये है बेसिलस बेसिलस मैगथे मैगथेरियम और फोस्फेटेसियम एस्परजिलस और पेजीजेला और इरेकिया ठीक है फर्टिलाइजर्स फॉर माइक्रोन्यूट्रियट्स ये हैं बेसीलस एसपीएस प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया हैं स्यूडोमोनास और फ्लोरोसिंस ठीक है ये हैं प्लांट ग्रोथ के लिए साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एजोला आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर के यूज़ में इनका यूज़ किया जाता है हावर हावेवर अल्फ़ा एल्फा इज ए पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट ऑफ द पी फैमिली ठीक है अल्फ़ा अल्फा जो है एक पैरेनियल फ्लावरिंग प्लांट है पी फैमिली का और ये दोनों जो है साइनोबैक्टीरिया ब्रूगीन एल्गी और एजोला जो है ये क्या है फ़र्टिलाइज़र है और अलग अलग फ़र्टिलाइज़र बता दिए इन्होंने जो नाइट्रोजन फिक्सिंग फ़र्टिलाइज़र है उनके नाम बता दिए हैं और फास्फोरस मोबिलाइजिंग फर्टिलाइज़र कौन से हैं और प्लांट ग्रोथ फर्टिलाइज़र कौन से हैं ठीक है बीच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोविंग या आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द कोर्स बताना है कौन सा बायो फर्टिलाइज़र है ठीक है एजोला अल्फ़ा अल्फ़ा ब्रू ब्लू ग्रीन एलगी या नाइट्रोलिन तो इसमें देखेंगे आंसर ही नहीं दिया है इसमें तो ब्लू ग्रीन एलगी तो बताया था है ना एजोला भी बताया था इन्होंने और इसमें ये नहीं फर्स्ट और सेकंड है फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो नहीं है इसके अंदर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है ठीक है क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा तो इन्होंने बताया अभी कि ये तो पेरेंटल क्या है फ़्लावरिंग प्लांट है किसका पी फैमिली का नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका यूज़ किया जाता है तो राइजोबियम का एजोला और ब्लू ग्रीन एलगी इन सब का यूज़ किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में राइजोबियम ब्लू ग्ली ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं एंड एजोला ओल आर एज बायो फर्टिलाइजर दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ने नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिक कौन सा नहीं है माइकोरिजिया नहीं है नहीं तो नोस्टॉक भी है एनोबेना एना एनाबेना भी है और एजोटोबैक्टर भी है नोस्टोक एनाबेना आर नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है वहल माइकोरिजिया इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन ए फंगस एंड ए प्लांट फंगस के और प्लांट के बीच में सिम्बायोटिक का, का, काम करता है कौन माइकोरिजिया रिजिया विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ए श्योर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर कौन सा है बायो फर्टिलाइजर का श्योर्स ये है एजोला एजोला हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग की कैपेबिलिटी है इसके अंदर दैट इज वाई इट इज़ बीग वाइडली यूज्ड एज ए फर्टिलाइज़र इसलिए इसको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में इन द पार्ट ऑफ साउथ एशिया फॉलोइंग इज़ आ बायो फर्टिलाइजर इसमें भी बताना है तो ये है एजोला बायो फर्टिलाइज़र यूज्ड एज ए सप्लीमेंट्री फूड फॉर द कैटल्स स्पेशली फॉर मिल्किंग बोवाइंस ईज तो कौन सा है वो एजोला है जो दूध देने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें इसको उनको उनके फूड में यूज किया जाता है द डिमांड फॉर मिल्क एंड मीट इन इंडिया इज क्रिएटिंग अ न्यू पोटेंशियल इन प्रोफिटेबली ऑफ एनिमल हजबेंड्री एज एन ऑक्यूपेशन क्योंकि डिमांड है मिल्क की भी और मीट की भी इंडिया के अंदर तो एनिमल हजबेंड्री को क्या माना गया एक ऑक्यूपेशन मान लिया गया है Yet, at some time there is a substantial decline in food or availability. The search for alternative led to a wonderful plant, Azolla, which hold the promise of providing a sustainable food for livestock. Azolla in turn, provides the carbon source and favorable environment for the growth and development of algae. Is it is दिस यूनिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट मेक अजोला ए वंडरफुल प्लांट विद ए हाई प्रोटीन कंटेंट ठीक है नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ तो ये हैं पल्सिस जनरली द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लिगम लेग्यूम्स प्लांट विच गिव पल्सिस लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनकी रूट में पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ये कौन से प्लांट होते हैं प्लांट्स विच गिव पल्सिस जिस जिसमें जिस जो हमें पल्सिस देते हैं इन स्पेशल स्ट्रक्चर कार्ड रूट नोडियोस भी बोलते हैं विच ऑफ द विच ऑफ दीज इज़ नॉट करेक्टली मैचड इनमें बताने कौन सा करेक्टली मैचड नहीं है तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये बायो फर्टिलाइजर है और चेरी सोपा ये क्या है ये है माहू कंट्रोल और बायो नाइन जीरो टू क्या है ये वैरायटी ऑफ मस्टर्ड है और एजोटोबैक्टर जो है ये बायनो सेक्टिसाइड है तो ये गलत है बाकी तीन क्या है राइट है एजोटोबैक्टर इज ए बैक्टीरिया बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर नेचुरली फिक्स एटमोसफेरिक नाइट्रोजन इन द राइजोफेयर राइजोसफेयर ठीक है तो द जोन सराउंडिंग द रूट ऑफ प्लांट्स सो ऑप्शन ई डी इज़ नॉट करेक्टली मैच ठीक है क्या है एक बैक्टीरिया है ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये है ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी इज आल्सो कार्ड साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको और इट इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये इससे एसोसिएटेड है ब्लू ग्रीन एल्गी आर चीफली यूज एज बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप ऑफ किसकी कौन सी क्रॉप में यूज़ किया जाता है ब्लू ग्रीन एलगी को बायो फर्टिलाइज़र के रूप में तो ये है पैडी साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलगी इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर विच हेल्प्स इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ब्लू ग्रीन एलगी आर मेनली यूज एज बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप पैडी ब्लू ग्रीन एलगी इज यूज टू सप्लाई नाइट्रोजन टू किसको सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन ये ब्लू ग्रीन एलगी ये पैडी क्रॉप को नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैचड नहीं है तो ब्लू ग्रीन एलगी किस में यूज़ किया जाता है पैडी क्रॉप में और राइजोबियम लेग्यू लेग्यूमिनी सेरम ये पी प्लांट में यूज़ किया जाता है कि तो उसकी रूट में पाया जाता है एजोटोबैक्टर व्हीट और एजोला मेज ये क्या है करेक्ट नहीं है एजोला कहाँ पाया जाता है एजोला एनाबीना नोस्टो ग्लू ग्रीन एल्गी ई टी सी प्रोमोट नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पेड़ी हारवेस्टिंग एजोला भी पैडी क्रॉप कोई क्या करता है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है पैड़ी क्रॉप में ना कि मेज क्रोप में लेवर कैज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के यूज़ किए जाते हैं राइजोबियम लैग्यूमिनी सेरम इन पी एंड एजेटोबैक्टर व्हीट प्रोमोट्स नाइट्रोजन फिकसेशन राइजोबियम लैग्यूमिनी किस में पी में होता है और एजेटोबैक्टर व्हीट वाले क्रोप में पाया जाता है जनरली एजोला इज नॉट यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन मेज किस में होता है एजोला पेडिक्रॉप में एजोला गिव्स ए गुड फर्टिलाइज बायो फर्टिलाइजर वहन मिक्सड विद किसके साथ मिक्स हो के गुड फर्टिलाइजर का काम करता है ये ब्लू ग्रीन एलगी एजोला इज एन एक्वेटिक फर्म इट गीव्स ए गुड बायो फर्टिलाइजर वहन मिक्सड विद ब्लू ग्रीन एलगी और साइनोबैक्टीरिया एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स इन सप्लाइंग नाइट्रोजन टू राइस फील्ड्स इन एडिशन दे आल्सो ब्रिंग अबाउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ नंबर ऑफ चेंज इन द फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोयल एंड सोयल वाटर इंटरफेस इन राइस फील्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एजोला इज ओफ़न यूज एज बायो फर्टिलाइजर बिकोज इट इज एसोसिएटेड किस एसोसिएटेड होता है ये ब्लू ग्रीन एलगी के साथ एजोला इज एक्वेटिक फार्म है ठीक है एक्विटिक फार्म विच इज यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर इज कौन सा है एजोला और यह बताया ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो फर्टीजिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है तो ये है साइनोबैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोविंग इज फर्स्ट फैटिक बायो फर्टिलाइजर कौन सा फर्स्ट फैटिक बायो फर्टिलाइजर है तो ये है वेस्क्यूलर आर्ब्यूस आर्ब्यूस्कुलर और माइकोरीजिया ठीक है वेस्कुलर, आर्ब्यूस्कुलर माइकोरीजिया ये क्या है एक फोस्फेटिक बायोफर्टिलाइजर है राइजोबियम ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया एंड एजोला हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं वायल वैसक्यूलर आर्ब्यूस्कुलर माइकोरीजिया हेल्प्स इन अपटेक ऑफ फॉस्फोरस बाय द प्लांट एंड हैं इट इज़ अ फोस्फेटिक बायोफर्टिलाइजर है ये वी ए एम फंगी बेनिफिट तेयर होस्ट प्लांट बाय इम्प्रूविंग द अपटेक ऑफ वाटर मिनरल्स एंड पार्टिकुलरली द पुअरली मोबाइल आयन फास्फोरस इन द सोयल इट इज़ आल्सो इंक्रीज द प्लांट रेसिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजेंस पैथोजेंस के अगेंस्ट क्या कर देता है ये प्लांट की रेसिस्टेंस को बढ़ा देता है एंड इम्प्रूव प्लान्टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसिज सच एज ड्रॉट और अगर ड्रोट भी पड़ जाता है तो उसमें क्या करता है उसकी टोलरेंस को प्लांट की टोलरेंस को इम्प्रूव कर देता है ठीक है तो क्या था क्वेश्चन क्वेश्चन था हमारा कौन सा फास्फेटिक बायो फर्टिलाइजर तो वेस्कुलर आर्बुस्कुलर माइकोरीजिया ठीक है नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग इसका क्या यूज है फार्मिंग में तो इसका आंसर है वन टू एंड थ्री अब इसका देख लेते हैं बायोचार कैन बी यूज एज ए पार्ट ऑफ द ग्रोविंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग वर्टिकल फार्मिंग में ग्रोविंग मीडियम का काम करता है और नेक्स्ट है सेकेंड है इट वैन बायोचार इज ए पार्ट ऑफ द ग्रोविंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ़ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है वहन बायोचार इज ए पार्ट ऑफ द ग्रोविंग मीडियम इट इनेबल्स द ग्रोविंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लोंगर टाइम लंबे समय के लिए वाटर को क्या करता है रिटेनिंग कर लेता है जब ये ग्रोविंग मीडियम के रूप में क्या होता है का पार्ट होता है एक्सप्लेनेशन देख लेंगे इसका बायोचार इज अ स्टेबल कार्बन रिच फॉर्म ऑफ चारकोल दैट इज अप्लाइड टू द सोल इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक क्रॉप वेस्ट ग्रास वुड चिप्स मैनो मैन्योर इन ए हाई टेम्परेचर जब हम क्रॉप वेस्ट को ग्रास को वुड चिप्स को और मैन्योर को हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं हीट करते हैं तो ये उससे प्रोड्यूस होता है लो ऑक्सीजन प्रोसेस नो एज पायरोलिसिस बायचार कैन बी यूज एज ए पार्ट ऑफ ग्रोविंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग एडिंग बायोचार टू सोयल इंक्रीज इट्स कार्बन कंटेंट एंड कैन मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन सम बायोचार कैन इम्प्रूव सोयल फर्टिलिटी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी इसमें भी बायोचार को यूज़ किया जाता है मतलब इसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है रिसर्च सो दैट बायोचार ड्राइवड फ्राम ग्रेस ग्रासीज और क्रॉप्स अपीयर टू हैव द बेस्ट बैलेंस ऑफ एग्रीकल्चरल बेनिफिट एंड कार्बन स्टेबिलिटी रिसर्च क्या कहती है कि बायोचार जो है वो ग्रासिस से ड्राइव्ड होता है या क्रॉप से टू हैव द बेस्ट बैलेंस और ये एग्रीकल्चर बेनिफिट में और कार्बन स्टेबिलिटी में इसने क्या करा है एक बैलेंस बनाया है स्टडीज आल्सो सो दैट इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन रेट ऑफ बायोचार हैज ए पॉजिटिव फीडबैक ऑन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या है इसका पॉजिटिव फीडबैक है At soil microbial biomass, the extremely porous nature of, bio, nature of biochar is found to be effective at retaining both water and water-soluble nutrients, and it is very much suitable as a habitat for many beneficial soil microorganisms. From the above explanation, all of given statements are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कैन बी इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन बाय कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज इफ़ीसियंसी कैन बी इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ स्प्लिट एप्लीकेशन यूज ऑफ नाइट्रोजन इनहिबिटर्स और यूजिंग द स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन सब के द्वारा कैपेबिलिटी जो है नाइट्रोजन की वो इफ़िशियंसी के साथ यूज की जा सके इसको हम क्या कर सकते हैं इसकी इसको हम क्या कर सकते हैं इंक्रीज़ कर सकते हैं क्रॉप में किसकी नाइट्रोजन की कैपेबिलिटी को द कैपेबिलिटी ऑफ़ नाइट्रोजन यूज इफ़ीसियंसी कैन बी इंक्रीज बाय ऑल द गिवन ऑप्शंस फ्रिक्वेंट यूज ऑफ फर्टिलाइज़र इन द स्प्लिट एप्लीकेशन यूज़ ऑफ़ नाइट्रोजन इनहिबिटर्स एंड बाई यूजिंग द स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देर आर वरियस बैक्टीरिया इन वरियस क्रॉप्स विच आर लाइबल फॉर नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन तो इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं नाइट्रोजन की जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज कर सकते हैं नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है तो है राइजोबियम जैपोनिकम ठीक है राइजोबियम जैपोनिकम राइजोबियम जैपोनिकम बैक्टीरियाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन सोयाबीन इनऑक्ुलेटेड विद राइजोबियम जैपोनिकम स्ट्रेंस दैट सिंथाइज सिंथेसाइज द हाइड्रोजींस सिस्टम फिक्स सिग्निफिकेंटली मोर नाइट्रोजन ठीक है नेक्स्ट है लेग हीमोग इज फाउंड इन इसमें पाया जाता है ये लैग्यूम रूट नोड्यूल्स में कौन सा लैग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है लेग्यूम रूट नोड्यूल्स चलिए नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज अल्फा अल्फा एंड सोयाबीन इनकी रूट में पाया जाता है इट इज़ क्रूसियल फॉर सप्लाइंग सफ़िशिएंट ऑक्सीजन टू रूट नोड्यूल बैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन टू ओकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ अब ये बताना है कि हमारी बॉडी का जो वेट है वो मोस्टली किसका बना होता है तो ये सबसे ज़्यादा क्या है हमारी बॉडी के अंदर वाटर है सेवेंटी परसेंट द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ इन ह्यूमन बॉडी रेंज फ्रॉम सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट द एवरेज ह्यूमन बॉडी है फिफ्टी से सिक्सटी फाइव परसेंट वाटर जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है उसमें द परसेंटेज ऑफ वाटर इन इन इन्फेंट्स इज मच हायर टिपिकली अराउंड सेवेंटी फाइव से सेवेंटी एट परसेंट ड्रॉपिंग टू सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट बाई वन ईयर ऑफ एज वाटर इज द बेस्ट सोलवेंट इन नेचर ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स क्या होता है ह्यूमन बॉडी में सेवेंटी परसेंट वाटर होता है द परसेंटेज ऑफ वाटर इज़ इन इज एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ अराउंड लगभग सिक्सटी फाइव परसेंट जो अडल्टूमन बॉडी होती है उसमें वाटर का परसेंटेज सिक्सटी फाइव परसेंट होता है द मोस्ट अबेंडेंट अबेंडेंट इलीमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी तो क्या है ऑक्सीजन मोस्ट अबेंडेंट इलीमेंट जो है ह्यूमन बॉडी में कौन सा है वो ऑक्सीजन है नियरली नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द मास ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ जस्ट सिक्स केमिकल एलिमेंट्स ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और कैल्शियम एंड फास्फोरस, जो नाइन्टी नाइन परसेंट जो मास है ह्यूमन बॉडी का वो इन सिक्स एलिमेंट्स से ही बना होता है ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये एलिमेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर इट इज़ मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वाटर की फॉर्म में पाया जाता है वाटर मिक्स आप अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड पार्टिसिपेट्स इन काउंटलेस मैटाबोलिक रिएक्शन मेटाबोलिक रिएक्शन में हेल्प करता है कौन वाटर द मैक्म अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज कैल्सियम इन सब में बताना है सबसे ज़्यादा तो वही था ऑक्सीजन तो लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो इन सब में क्या है कैल्सियम अमाउंट नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द मास ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सिक्स एलमेंट दीज आर ऑक्सीजन सिक्सटी फाइव परसेंट है कार्बन एटीन पॉइंट फाइव परसेंट हाइड्रोजन नाइन पॉइंट फाइव परसेंट नाइट्रोजन थ्री पॉइंट टू परसेंट कैल्सियम वन पॉइंट फाइव परसेंट एंड फॉस्फोरस वन पॉइंट जीरो परसेंट सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डीज़ करेक्ट तो ये भी ध्यान रखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना है तभी आंसर लगाना है ठीक है नेक्स्ट इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज हाइएस्ट तो ये है ऑक्सीजन द नंबर ऑफ बॉन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज कितनी बॉन्स होती हैं टू हंड्रेड सिक्स द नंबर ऑफ बॉन्स इन एन अडल्टूमन बॉडीज़ टू हंड्रेड सिक्स द बॉडी ऑफ ए चाइल्ड हैज़ अबाउट थ्री हंड्रेड बॉन्स एट बर्थ जब जन्म होता है तब तो कितनी होती, 300 होती है थ्री हंड्रेड बोंस होती हैं विच डिक्रीज टू टू हंड्रेड सिक्स बोंस बाई अडल्टूड आफ्टर सम बॉन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर ये क्या हो जाती हैं फ्यूजड हो जाती हैं टुगेदर दीज बोन्स फ्रॉम द एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन ठीक है जब बर्थ होता है तब थ्री हंड्रेड होती हैं और फिर क्या हो जाती हैं एडल्टूड में क्या हो जाती हैं टू हंड्रेड सिक्स हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन तो ये हैं टू हंड्रेड सिक्स इन द एट द एज ऑफ ट्वेंटी ईयर्स द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती हैं ये बताया है एट द एज ऑफ ट्वेंटी ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स की जब हमारी एज होती है तो बोन्स कितनी हो जाती हैं ह्यूमन बॉडी में तो ये होती है टू हंड्रेड सिक्स अभी इसमें एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया इसलिए इसका आंसर क्या है नन ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट बोन बतानी है कौन सी होती है स्टेपीज स्टेपीज इज द लाइटेस्ट सबसे हल्की स्ट्रीप अप शेप्ड बोन एंड द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी फाउंड इन द मीडल ऑफ ह्यूमन ईयर्स ईयर जो ह्यूम ह्यूमन का ईयर है उसकी मीडल में पाई जाती है वायल फीमर इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट बोन कौन सी है फीमर है इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेग विच कनेक्ट द नी एट वन एंड एंड फिट्स इन टू हिप सॉकेट एट दर स्मॉलेस्ट बोन्स कौन सी है स्टेपीज़ है कहाँ पाई जाती है ईयर में पाई जाती है और लार्जेस्ट बोन्स कौन सी है फीमर है और फीमर कहाँ पाई जाती है ये हमारी अपर लेग में पाई जाती है जो नी को और जो हमारे हिप होते हैं उनको क्या करती है जोड़ती है कनेक्ट करती है नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ फाउंड इन आवर ईयर इस्मॉलेस्ट बोन जो है हमारी बॉडी की कहाँ मिलती है ईयर में मिलती है द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होती हैं तो हैं ट्वेंटी एट द ह्यूमन स्कल एक्सक्लूडिंग हायोड हायोड बोंस ऑफ द नेक कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी एट बोन्स इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स तो न्यूरो क्रेनियम एंड द फेशियल स्केलेटन आल्सो कार्ड दिस कैरोनियम न्यूरोक्रेनियम हैज़ एट बोन्स एंड देयर आर फोर्टीन इन द फेशियल बोन्स फेशियल बोन्स फोर्टीन होते हैं और न्यूरो में कितनी बॉन्स होती हैं एट बॉन्स होती हैं एंड रिमेनिंग सिक्स बॉन्स ओकर इन द मिडिल ईयर विच इज़ हेल्पफुल इन लिसनिंग जो कि लिसनिंग में हेल्प करती हैं जैसे है सिक्स बॉन्स होती हैं हमारे ईयर के अंदर फोर्टीन होती हैं फेसियल बोंस हमारी और एट बॉन्स कौन सी होती हैं न्यूरोक्रेनियम में होती हैं तो इस तरह से कितनी बॉन्स हो गई हैं टोटल ट्वेंटी एट बॉन्स गई हैं ह्यूमन स्कल में नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज़ फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बॉन्स कौन सा साल्ट पाया जाता है ह्यूमन बॉन्स के अंदर कैल्शियम फास्फेट हमारी जो बॉन्स है किसकी बनी है कैल्शियम फास्फेट की कैल्शियम फास्फेट इज़ द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फाउंड इन बोवाइन मिल्क एंड ब्लड सेवेंटी परसेंट ऑफ बोन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्सीपेटाइट एक कैल्शियम फास्फेट मिनरल नोन एज बोन मिनरल अप टू फिफ्टी परसेंट बाई वॉल्यूम एंड सेवेंटी परसेंट बाई वेट ऑफ ह्यूमन बॉन्स इज मॉडिफाइड फ्राम हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी हेपेटाइट ठीक है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी रिब्स की पेयर बतानी है ह्यूमन बॉडी में तो ये हैं ट्वेल्व द ह्यूमन रिब केज इज मेड अप टू ट्वेल्व पेयर टोटल ट्वेंटी फोर होती हैं रिब बॉन्स ईच आर सिमेट्रिकली पेयर्ड इन राइट एंड लेफ्ट साइड द रिब्स आर फ्लैट थिन बोन्स एंड दैट टुगेदर विद द इश्टरनम मेक अप द रिब केज दिस रिब प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर विटल ऑर्गन्स इन द अपर बॉडी इंक्लूडिंग द हार्ट एंड लंग्स जो हमारा रिब केज है वो हमारे हार्ट को और लंग को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है और कितनी पेयर होती हैं इसमें बॉन्स की रिबकेज में ट्वेल्व पेयर होती हैं इन ह्यूमन बॉडी लैग बोन इज लैग बोन कौन सी है तो ये लैग बोन कैसी होती है होलो ईच ह्यूमन लॉन्ग बोन इज कम्पोज ऑफ ए शाफ्ट डायफिसिस डायाफिसिस विद टू फ्लेयर्ड एंड्स एपिफाइसिस द डायाफाइसिस रिसेम्बल्स ए होलो सिलेंडर इट इज मेड ऑफ हार्ड कॉम्पैक्ट बोन दैट इज रेसिस्टेंट टू बैंडिंग जिससे क्या होता है झुक सकते हैं द इनर कैविटी ऑफ द डायाफाइसिस कंटेन येलो बोन मैरो दैट स्टोर्स फैट द एम्फाइसिस इज दैन शैल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन फिल्ड विद ए लैटिस और स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सराउंडेड बाय रेड बोन मैरो व्हिच मेक्स रेड ब्लड सेल्स वॉट इज आर्थोप्लास्टी इन सर्जरी सर्जरी में आर्थोप्लास्टी क्या है तो ये हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप आर्थोप्लास्टी और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इन्वॉल्व रिप्लेसिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द हिप जॉइंट विद ए सिंथेटिक इम्प्लांट टू रिपेयर द डैमेज पार्ट दैट इज कॉजिंग पेन ठीक है हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट है इसको क्या बोलते हैं हम हिप आर्थोप्लास्टी बोलते हैं द बोन्स आर हेल्ड टूगेदर बाई क्लासिक टिशूज आर कार्ड तो इसको बोलते हैं लीगामेंट्स। ए लिगामेंट इज इट टू शू दैट कनेक्ट टू बोन्स टू फॉर्म ए जॉइंट। ठीक है इट इज़ फाइबर्स एंड डेंस कनेक्टिंग कनेक्टिव टीशू और लीगामेंट किसको कनेक्ट करता है टू बोन्स को प्लेक फॉर्मड ऑन टीथ आर मेड अप ऑफ तो फूड पार्टिकल्स प्लस स्लाइवर प्लस माउथ एसिड प्लस बैक्टीरिया ठीक है फूड पार्टिकल्स प्लस प्लस सेलाइवा प्लस माउथ एसिड और बैक्टीरिया इन सबसे क्या होता है ये फॉर्म होता है डेंटल प्लेक इज ए बायोफीलम ऑफ और मास ऑफ बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑन सरफेस विद इन द माउथ इट अपीयर्स एज ए वाइट पेल येलो स्माइल लेयर कॉमनली फाउंड इन बिटवीन द टीथ एंड अलोंग द सर्वाइकल मार्जिन्स प्लेक्स फॉर्म्ड ऑन टीथ आर मेड ऑफ़ फूड पार्टिकल सेलाइवा, माउथ एसिड्स और बैक्टीरिया इन सब का बना होता है इन दरल कैविटी में सेलाइवा हैज इन नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ सिक्स पॉइंट टू से सेवन पॉइंट सिक्स तक होती है इसका पीएच रेंज किसका सेलाइवा का इथ सिक्स पॉइंट सेवन बींग द एवरेज पी और एवरेज पी एच सेइवा का कितना होता है सिक्स पॉइंट सेवन नो पेन इज फैल्ट वहाइल कटिंग द नेल्स विकॉर्ज जब हम नेल काटते हैं तो हमें पेन क्यों नहीं होता है तो इसका रीज़न क्या है नेल्स आर मेड अप मेड ऑफ़ द मटेरियल ऑफ डेड सेल डेड सेल के बने होते हैं ये नेल्स इन विच देयर इज़ नो ब्लड सर्कुलेशन और इनके अंदर कोई भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है इसलिए जब हम नेल काटते हैं अपने तो हमें पेन नहीं होता है नेल्स आर यूजली मेड अप ऑफ थिक एंड मल्टीपल लेयर्स ऑफ ए टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज ए कैराटीन ये भी ध्यान रखना है कि नेल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो ये होती है कैराटीन एंड आर कंपोज ऑफ डेड टिश्यूज दे आर डिवॉर्ड ऑफ एनी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स एंड देयर फॉर वी डू नॉट फील एनी पेन वायर द नील आर बींग कट एल्फ़ा कैरेटीन इज अ प्रोटीन प्रजेंट इन कहाँ पाया जाता है स्किन के की अंदर अल्फा कैरेटीन पाया जाता है स्किन के की अंदर और कैरेटीन एल्फ़ा कैरेटीन अच्छा ठीक है तो अल्फा कैरेटीन इज अ फैमिली ऑफ फाइबर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स इट इज़ द की स्ट्रक्चर मटेरियल मेकिंग ऑफ द आउटर एपिडर्मिस लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन इट इज़ द की स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ हेयर नेल्स हुवस एंड इट प्रोवाइड द नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड टफनेस फॉर मैसिकेटरी ऑर्गन्स सच एज द टंग है और हार्ड पैलेट है इन सबको क्या करता है ये टफनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ये तो अल्फ़ा कैराटीन स्किन में भी होता है और नेल में भी होता है और कहाँ होता है हेयर में भी पाया जाता है हेयर इज़ कम्पोज ऑफ प्रोटीन कार्ड क्या बोलते हैं इसको कैराटीन हेयर इज कम्पोज ऑफ द प्रोटीन कैराटीन विच इज आल्सो द प्राइमरी कॉम्पोनेंट ऑफ फिंगर एंड टोई नेल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज प्रजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स कौन सा प्रोटीन होता है कैराटीन कैराटीन इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रोंग प्रोटीन दैट इज अ मेजर कॉम्पोनेंट इन स्किन हेयर नेल्स हुर्न एंड टीथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्स एंड टीथ क्या रिक्वायर है इनके फॉर्मेशन के लिए तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टीथ के लिए ना बॉन्स के लिए भी टीथ एंड बॉन्स बोथ आर हार्ड वाइट एंड हैवी हार्ड होती हैं बॉन्स भी हार्ड होती हैं वाइट होती हैं और हीवी होती हैं ऐसे हमारे टीथ भी हार्ड भी होते हैं वाइट भी होते हैं टीथ आर कंपोज ऑफ कैल्शियम फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स इनके बने होते हैं टीथ बोन्स कंटेन कैल्शियम फास्फोरस, सोडियम एंड अदर मिनरल्स बट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन कॉलेगन कॉलेजन कॉलेजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल एलिमेंट इज नॉट इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ कौन सा जरूरी नहीं है तो ये है आयोडीन हमारे टीथ की और जो बॉन्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए उन्होंने बताया कि कौन सा एलिमेंट इसेंशियल नहीं है तो आयोडीन ही है नहीं तो कैल्सियम फास्फोरस फ्लोरिन ये तो ज़रूरी है कैल्शियम फास्फोरस फ्लोरिन आर इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्स एंड टीथ डेफिशिय ऑफ दीज न्यूट्रिशनल एलिमेंट मी कॉज टीथ एंड बोन्स डिजीज वाइल आयोडीन इज यूज टू कंट्रोल थायड ग्लैंड थायोडीन का यूज़ किस में किया जाता है थायरॉयड ग्लैंड में किया जाता है द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड टुआइक इन द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बींग इज कितने होते हैं ट्वेंटी जो ह्यूमन लाइफ में क्या होते हैं दो बार आते हैं इन ह्यूमन लाइफ स्पॉन् ट्वेंटी टीथ डेवलप्ड टुवाइक लाइक ए ह्यूमन मोस्ट ऑफ द मेमल्स आर डाइफोडोंट इट मीन्स आवर ट्वेल्व पैरा परम परमानेंट मोलर्स आर मोनोफाइकोडोंट एंड अदर डाइफोडोंट देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स ये चार टाइप्स के होते हैं टीथ विच ऑफ द फॉलोविंग इज द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी कौन सा है इनमल टूथ इैमल दांतों में पाया जाता है टूथ इनमल इज द थीन आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ हमारे जो टूथ की जो आउटर कवरिंग है उसको हम इनेमल। वो इनैमल की बनी हुई है एंड द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ़ आवर बॉडी और ये हमारी बॉडी का स्ट्रोंगेस्ट पार्ट है इट मेक्स आवर टीथ वाइट एंड इट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द क्राउंस ऑफ हेल्दी टीथ टूथ डी के इज़ ड्यू टू द डिस्ट्रैक्शन ऑफ टूथ इनमल और टूथ इनमल डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे टीथ भी क्या हो जाएंगे बेकार हो जाएंगे डी हो जाएंगे इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्साटाइट क्रिस्टल्स विच इज मेनली कैल्शियम फॉस्फेट स्ट्रोंगेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन किस में पाई जाती है स्ट्रोंगेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी की तो ये है जा द स्ट्रोंगेस्ट मसल बेस्ड ऑन इट्स वेट इट इज मैसेस्टर नोन एज जा मसल बोलते हैं विद ऑल मसल्स ऑफ द जा वर्किंग टुगेदर, इट कैन क्लोज द टीथ विदोस एज ग्रेट एज फिफ्टी फाइव पाउंड ट्वेंटी फाइव किलोग्राम ऑन द इंसीजर और टू हंड्रेड पाउंड नाइनटीन नाइन्टी पॉइंट सेवन किलोग्राम ऑन द मोलर्स इस्ट्रॉन्गेस्ट क्या है मसल्स है ये कौन सी होती है जा मसल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है ठीक है ये इधर क्या दिए हैं बॉन्स के नेम बॉन्स दिए हैं और मैच करना है कि ये कहाँ पाई जाती है तो यहाँ देख लेंगे इसका आंसर तो होगा डी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं आंसर ब्रेस्ट बोन इसमें ये ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है स्टर्नम स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन बोलते हैं और कोलर बोन कौन सी होती है ये कैल क्लेविकल ठीक है Patela. और नी कैप है पटेला और शोल्डर शोल्डर ब्लेड कौन सी बोन से है ये पुला शोल्डर ब्लेड में यहाँ कौन सी बोन होती है स्केपोला और ब्रेस्ट बोन कौन सी है स्टर्नम है कोलर बोन है क्लेविकल और नी कैप कौन सी है पटेला नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन तो सब डाइजेस्टिव प्रोसेस कहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन में होता है डाइजेशन डाइजेशन बीगन इन द माउथ वैन वी चीव एंड स्वेलो एंड इज कॉम कम कंप्लीटिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेंस टाइम डाइजेशन कहाँ शुरू होता है हमारे माउथ में शुरू हो जाता है डाइजेशन जब हम फूड को क्या करते हैं चीव करते हैं स्वेलो करते हैं और कंप्लीट कहाँ होता है स्टार्ट तो माउथ में होता है डाइजेशन और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेंसटाइन में द स्मॉल इंटेंसटाइन इज ए लॉन्ग ट्यूब लूजली कॉयल्ड इन द एबडोमैन स्प्रेड आउट इट वुड बी मोर देन ट्वेंटी फीट लॉन्ग द स्मॉल इंटेंसटाइन कॉन्टीन्यूज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड बाई यूजिंग एंजाइम रिलीज्ड बाय द पिंक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम द लीवर ये क्या करती है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करती है एंजाइम्स का यूज़ करके जो कहाँ से रिलीज होते हैं पैंक्रियाज से और जो लीवर लीवर से जो बाइल जूस इंक्रीज होता है उससे वो क्या है उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं उनसे फिर हमारा जो फूड है वो क्या होता है स्मॉल पीसीज में ब्रेक हो जाता है द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग टू बीटरनेस इज किससे पता चलता है ये है पोस्टीरियर पार्ट पोस्टीरियर पार्ट जो है हमारी टंग का उससे हमें क्या पता चलता है बीटरनेस का पता चलता है कि चीज़ कड़वी है है ना स्वीट सोल्ट साल्टी बीटर एंड सेवरी टेस्ट कैन एक्चुअली बी सेंसड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन टंग्स इन सब का हमें टंग से ही पता चलता है ओए ओनली द साइड्स ऑफ द टंग आर मोर सेंसिटिव देन द मिडिल ओवर ओल्ड दिस इज़ ट्रू फॉर ओल टेस्ट विद वन एक्सेप्सन द बैक ऑफ आवर टंग इज़ वेरी सेंसीटिव टू बीटर टेस्ट जो बैक है हमारी टंग का जो बैक पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट है ना तो वो ज़्यादा सेंसिटिव है किसके लिए बीटर टेस्ट के लिए दिस इज़ अपरेंटली टू प्रोटेक्ट अर सो दैट वी कैन स्पीड आवर स्पॉइल्ड और पॉइजीनियस फूड और सब्सटेंस बिफोर दे एंटर द थ्रोट एंड आर स्वेलोड इन द बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बींग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोविंग गेट स्टार्टेड तो ये है कार्बोहाइड्रेट इन द बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बींगमाइलेज एनजाइम इन सेवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च क्या है ये कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है वनडे एग्जाम में तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टार्च ही दे, दे देंगे आपको और यही डाल देंगे ऑप्शन में के फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है तो इनके पे भी फोकस करना है इन टू माल्टोज एंड डैक्सट्रीन दस इन द बकल कैविटी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट गैट्स स्टार्टेड ठीक है द सेलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है ये स्टार्च की और स्टार्च क्या है ये ए फॉर्म ऑफ कार्बो कार्बोहाइड्रेट ठीक है नेक्स्ट है सेलिवा इज ए वाटरी सब्सटेंस लोकेटेड इन द माउथ वाटरी सब्सटेंस है और ये माउथ के अंदर होता है ऑफ मैन एंड एनिमल्स सेक्रेटेड बाय द स्लेवरी ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है ह्यूमन सलाइवा इज़ नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट वाटर इसमें इतना वाटर होता है वाइल द अदर ज़ीरो पॉइंट फाइव परसेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स म्यूकस और ग्लाइकोप्रोटीन्स एंजाइम्स एमाइलेज एंड एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड सच एज सेक्रेटरी एंड आइसोजाइम द एन्जाइम फाउंड इन सेवा आर इसेंशियल टू बिगन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ डाइट्रीट्रा इस्टार्च ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ सेवा क्या होता है इस्टार्च का डाइजेशन होता है से एंजाइम इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज इज क्या है वो एम है कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है एम किसमें इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च स्टार्च टू ग्लूकोज एम इज प्रेजेंट इन द सेलाइवा ऑफ ह्यूमंस एंड सम अदर मेमल्स वीयर इट बिगन द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन केमिकल प्रोसेस हो जाता है डाइजेशन का और एम आइलेज इज एन एंजाइम दैट कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इन ग्लूकोज अब एसरसन है और रीज़न बताया है तो देखेंगे करेक्ट है या नहीं इन ह्यूमन बॉडी द लीवर हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन फैट डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल किसका है लीवर का रीज़न क्या है लीवर प्रोड्यूस टू इम्पोर्टेंट फैट डाइजे डाइजेस्टिंग एंजाइम कि लीवर में इसका रीजन ये है कि लीवर के द्वारा टू जो इम्पोर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है वे रिलीज किए जाते हैं वे प्रोड्यूस किए जाते हैं देखते हैं इसका आंसर ए इज़ ट्रू बट आर इज फास्ट रीज़न करेक्ट नहीं है ये तो सही है कि जो फैट का डाइजेशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल लीवर का है द लीवर डज नॉट प्रोड्यूस फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है इट डिटोक्सीफाइज केमिकल एंड मेटाबोलाइज ड्रग्स द लीवर हैज़ मल्टीपल फंक्शन सच एज सेक्री सेक्रीशन ऑफ बाइल स्टोरेज ऑफ फैट सिंथेसिस ऑफ यूरिया ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइको ग्लाइकोनिओजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस ई टी सी आल दो दाइल लैक्स डाइजेस्टिव एंजाइम जैट इट प्लेज एन इंपोर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन स्पेशली इन द डाइजेशन ऑफ फैट बाई ब्रिंगिंग अबाउट दियर इमल्सिफिकेशन ठीक एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता है इमेंसीफिकेशन के द्वारा करता है ये नेक्स्ट है एंजाइम इज एंजाइम क्या है तो ये है बायो कैटालिस्ट एंजाइम क्या है बायो कैटालिस्ट है एंजाइम आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स दैट एक्ट एज बायो कैटालिस्ट एंड हेल्प्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ओकर इन द बॉडी दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स विच एक्सीलिरेरेट केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम्स ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द सेल नीड एंजाइम कैटालिस्ट इन ऑर्डर टू ओकर एट रेट्स फास्ट इनफ टू सस्टेन लाइफ नेक्स्ट एंजाइम आर बेसिकली क्या होते हैं ये प्रोटीन्स एनजाइम आर ए प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं प्रोटीन्स सब्सटेंस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम्स आर तो ये हैं एंजाइम क्योंकि तो ये लिविंग सिस्टम में जो कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम विच इज़ द मोस्ट विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज़ आर करेक्ट बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंजाइम के बारे में तो इसमें हैं बोथ वन एंड टू क्या दे आर बायो कैटालिस्ट होते हैं एंजाइम और दे परफॉर्म आर एक्शन ऑन द साइट व्हीयर दे आर प्रोड्यूस जहाँ ये प्रोड्यूस होते हैं वहाँ ये क्या करते हैं एक्शन करते हैं एंजाइम कैन बी डिफ़ाइंड एज बायोलॉजिकल पोलीमर्स एंड कैटालाइज बायो केमिकल रिएक्शंस दस दे आर बायो कैटालिस्ट एंड एक्सीड केमिकल रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी जनरली एनजाइम परफॉर्म देअर एक्सन ऑन द साइट वी हेयर दे आर प्रोड्यूस ठीक है विच एनजाइम कैन कैटालाइज एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनोल तो ये है जाइमेज जायमेज एनजाइम क्या करता है क्या करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्जन करता है जायमेज इज एन एन्जाइम कॉम्प्लेक्स दैट कैटालाइज द फर्मेंटेशन ऑफ सुगर इंटू एथेनोल एंड कार्बन डाईआक्साइड इट ओकरस नेचुरली इन हीस्ट जाइमेज एक्टिविटी वेराइज अमोंग हीस्ट स्ट्रेंस प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज ए फंक्शन ऑफ द लीवर क्या है यूरिया यूरिया का प्रोडक्शन किसका फंक्शन है लीवर का द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी ठीक है ध्यान रखना है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी तो है लीवर इट इज़ लोकेटेड इन द एबडोमिनल कैविटी में ये लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द डायाफार्म एंड हैज़ टू लॉब्स इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इट इज़ इट्स मेन फंक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ बाइल बाइल प्रोडक्श प्रोडक्ट करता है प्रोड्यूस करता है और स्टोरेज ऑफ फैट एंड कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल अमोनिया टू यूरिया यूरिया में कन्वर्ट कर देता है जो हार्मफुल अमोनिया होते हैं यूरिया इज़ वन ऑफ द यूरिया इज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबोलिज्म दैट इज एक्सिक्रिएटेड इन द यूराइन यूरिन डाइजेशन ऑफ लिपिड्स टेक प्लेसिस इन द प्रजेंस ऑफ सम ऑफ द फॉलोविंग बाइलेसिड लाइपेज या पेप्सिन इसका आंसर है ओनली वन एंड टू किसके द्वारा बाइलेसिड और लाइपेज मोस्ट ऑफ द लिपिड्स इन आवर फूड आर प्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फैट्स और ट्री ग्लिसराइड्स लाइपेज एंजाइम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड लिपिड का डाइजेशन करता है लाइपज एंजाइम लाइपेज ब्रेक्स डाउन लिपिड्स इंटू फैटी एसिड लिपिड को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है एंड मोना मोनोग्लिसराइड्स मोनोग्लिसराइड्स बाइल प्रो बाइल प्रोबेबली कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है याट इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन एंड एबजॉर्बशन ऑफ फैट फिर भी ये डाइजे में और फैट के एबजॉर्बशन में क्या करता है हेल्प करता है इट फैसिलिटेट्स इमंसीफिकेशन ऑफ फैट्स पेप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग और प्रोटोल्टिक एंजाइम पेप्सिन क्या है? प्रोटीन है डाइजेस्टिंग प्रोटीन है ठीक है द श्योर्स ऑफ द एन्जाइम लाइपेजिज़ क्या है एंजाइम लाइपेज का श्योर्स तो ये है पेंक्रियाज द एंजाइम लाइपेज इज प्रोड्यूसड इन द पेंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है माउथ में एंड स्टोमच में इट इज ए फैट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है ये फैट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम इट्स फंक्शन इज टू डाइजेस्ट फैट एंड लिपिड्स फैट को लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है ये और हेल्पिंग टू मेंटेन करेक्ट गैल ब्लैडर फंक्शन और जो हमारा गैल ब्लैडर है हमारी बॉडी में उसके फंक्शन को मेंटेन करता है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है ह्यूमन सिस्टम में तो ये है गैस्ट्रिन। ये तो ट्रिप्सिन और टाइलिन और पैप्सिन ये तीनों क्या हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं। ट्रिप्सिन टाइलिन एंड पैप्सिन आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हु सेक्रीशन सेक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय पेंक्रियाज और इनका सेक्रीशन किसके द्वारा होता है पेंक्रियाज के द्वारा होता है स्लेवरी ग्लैंड एंड स्टोमच रेस्पेक्टिवली पेंक्रियाज के द्वारा स्लेवरी ग्लैंड से और इस्टोमच से ठीक है किसका सेक्रीशन होता है ट्रिप्सिन टाइलिन और पैप्सिन का गैस्ट्रीन इज ए पैप्टाइड हारमोन गैस्ट्रीन एक पैप्टाइड हारमोन है दैट स्टीमुलेट्स सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एच सी एल बाई द बाय द पेरिएटल सेल्स ऑफ द स्टोमच एंड एड्स इन गैस्ट्रिक मोटिलिटी इट इज़ रिलेजड बाई जी सेल्स इन द फलोरिक एंड ट्रम ऑफ द स्टोमच डूडेनम एंड द एंक्रियाज इन ह्यूमन बॉडी द डाइजे ऑफ प्रोटीन बीगन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन किस में होता है इस्टोमच में प्रो किसमें डायजेसन ऑफ प्रोटीन किस में बीगन होता है इस्टोमच in human body the digestion of protein begins in the stomach with the action of enzyme pepsin pepsin is secreted by the gastric glands of the stomach while digest the protein into smaller peptides and amino acids which can be readily absorbed by the small intestine नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन्स इंटू एमिनो एसिड कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में क्या करता है कन्वर्ट करता है वो है पैप्सिन पैप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज सेक्रिएटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द स्टोमच विच डाइजेस्ट द प्रोटीन इंटू स्मॉलर पैप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स विच कैन बी रीडली एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेंसटाइन लैक्टेज इज मिल्क डाइजेस्टिंग ठीक है ध्यान रखेंगे लैक्टेज कैसा है मिल्क डाइजेस्टिंग है ये एंजाइम है लैक्टेज भी और पेप्सिन कैसा है ये डाइजेस्टिव एंजाइम है विच कन्वर्ट लैक्टोज इन ग्लूकोज लैक्टेज जो है क्या करता है लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और गैलेक्टोज में यूरीज एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया जाइमेज एंजाइम ओकर्स नेचुरली इन यीस्ट यीस्ट में होता है कौन सा एंजाइम जाइमेज एंजाइम दैट कैटालिस्ट द फर्मेंटेशन ऑफ सुगर इन टू इथेनोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सूगर को किस में फर्मेंटेशन करता है एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में जाइमेज अब एसरसने और रीजनए देखना है क्या करेक्ट है क्या नहीं ओल द प्रोटीन्स इन अवर फूड आर डाइजेस्टिड इन स्मॉल इंटेंसटाइन ओनली इन्होंने कहा जितने भी फूड में हमारे प्रोटीन्स होते हैं वे केवल स्मॉल इंटेंसटाइन में ही डाइजेस्टिड होते हैं और रीजन क्या है द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एनजाइम फ्रॉम द पेंक्रियाज आर रिलीजड इन टू द स्मॉल इंटेंसटाइन जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेंक्रियाज से वे किस में रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेंसटाइन में तो देखेंगे इसका आंसर क्या है एज फॉल्स बट आर इज ट्रू ये तो ट्रू है कि जितने भी पेंक्रियाज़ के द्वारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रिलीज होते हैं बट ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी प्रोटीन्स हैं फूड के वे सब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं ये रोंग है प्रोटीन डाइजेशन बीगन इंस्टोमच पहले भी बताया था कि प्रोटीन का डाइजेशन इस्टोमच में बीगन होता है विद द एक्शन ऑफ एन एंजाइम कार्ड पैप्सिन पैप्सिन एंजाइम पैप्सिन इज द एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑफ द स्टोमच ठीक है डाइजेस्टिंग एंजाइम है और कहाँ किसका है इस्टोमच में पाया जाता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन द इन एक्टिवेट फॉर्म इन द देंक्रियाज एंड इज एक्टिवेटेड इन द स्मॉल इंटेंस्टाइन वे इट डाइजेस्ट प्रोटीन कौन ट्रिप्सिन कहाँ स्मॉल इंटेंसटाइन में क्या करता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है ड्यूरेनम इज़ द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल एंडेंसटाइन ड्यूडेनम जो है ये फर्स्ट और शॉर्टेस्ट सेगमेंट है किसका स्मॉल इंटेंसटाइन का इन द ड्यूडेनम ट्रिप्सिन कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ पैप्टाइड बॉन्ड्स ब्रिकिंग डाउन प्रोटीन्स इंटू स्मॉलर पैप्टाइड एनजाइम कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन पोलीपैप्ट एंड पैप्टाइड्स इंटू एमिनो एसिड फिर इसको पोलीपैप्टाइड और पैप्टाइड को किस में तोड़ देता है ये अमिनो एसिड में एज एमीनो एसिड्स आर वेरी स्मॉल दे आर एबल टू एब्जॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग एंड इन टू द ब्लड स्ट्रीम क्योंकि वे इतने स्मॉल हो जाते हैं अमीनो एसिड्स फिर क्या होता है ये हमारे ये किसमें हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी चले जाते हैं उसके द्वारा एबज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं एन एनजाइम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज तो ये है ट्रिप्सिन विच ऑफ़ द फॉलोइंग चेंज इज कैटालाइज बाय द एनजाइम ट्रिप्सिन तो ये है प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड एनजाइम ट्रिप्सेंस के द्वारा क्या जो कैटालाइज किया जाता है तो उसमें क्या चेंज होता है वो प्रोटीन को अमिनो एसिड में क्या कर देता है तोड़ देता है इन द ड्यूडेनम ट्रिप्सिन कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ पैप्टाइड बोन्स ब्रिकिंग डाउन प्रोटीन इन टू स्मॉलर पैप्टाइड द पेप्टाइड प्रोडक्ट आर देन फर्दर हाइड्रोलाइज इन टू एमिनो एसिड्स वाई अदर प्रोटरिंग दैम अवेलेबा एब्जॉर्बशन इन टू द ब्लड स्ट्रीम फिर इसको कहाँ ले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में ले जाते हैं हमारी नेक्स्ट इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैचड टू ह्यूमन बॉडी में किस स्ट्रक्चर से अपेंडिक्स अटैच होता है तो ये है द लार्ज इंटेंस टाइम्स है Appendix is a blind ended tube connected to the caecum that is considered to be the beginning of the large intestine from which is developed embryologically. The caecum is a pouch like structure of the colon located at the junction of the small and the large intestine. Which one of the following is the correct sequence in the order decreasing the length of three structural part given below the small intestine in the human body? अब ये बताना है, human body जो small intestine है उसके human body में जो small intestine है उसके इन्होंने part दिए हैं और बताना है length के अनुसार उनको decreasing order में लगाना है। तो इसका answer है ileum, ठीक है? तो the small intestine is divided into three structural part. तीन स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं द ड्यूडेनम इज ए शॉर्ट स्ट्रक्चर सबसे शॉर्ट कौन सा है ड्यूडेनम है अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग कॉन्टिन्यूस विद द स्टोमा एंड शेप्ड लाइक शी इट सराउंड्स द हेड ऑफ द पेंक्रियाज पेंक्रियाज के हेड से वो होता है सराउंड द ड्यूडेनम कंटेन्स बर्नर्स ग्लैंड विच प्रोड्यूस ए म्यूकस रिच एल्का्का्का्का्काइन शक्रीशन कंटेनिंग बिकार्बोनेट बाई कार्बोनेट दिसक्रीशन इन कॉम्बिनेशन विद बाईकार फ्राम द पेंक्रियाज न्यूट्रेलाइज द इश्टोमज एसिड्स कंटेन इन द गैस्ट्रिक चाइन द जेजुनम इज द मीडियल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टिव कनेक्टिंग द ड्यूडेनम टू द इलियम ड्यूडेनम को एलियम से कनेक्ट करता है कौन जेजुनम ठीक है इट इज़ अबाउट टू पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग एंड कंटेनज दिया सिरकुरेट्स एंड विली दैट इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया द एलियम इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेंसटाइन इट इज़ अबाउट थ्री पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग एंड contains विली सिमिलर टू द जेजुनम तो ठीक है सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है इलियम फिर है जेजुनम और फिर है डेडूनम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल्यूलोर्स के डाइजेशन में क्या है कैपेबल है और स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डाइस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन ह्यूमन बॉडी तो देखना है क्या है इसका आंसर ये है बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ये सही रीजन नहीं है किसका ए का करेक्ट तो आंसर देखेंगे इन ह्यूमन डाइजेस्टिव इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज आर नॉट फाउंड ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट सेल्यूलो जो वे एंजाइम नहीं पाए जाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो किसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं बट स्टार्च एब्रेसिव एंजाइम डाइस्टीज विच ब्रेक स्टार्च इंटू माल्टोज आर फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा में पाए जाते हैं जो कि स्टार्च को किस माल्टोज में, में ब्रेक कर देते हैं दस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट द सेल्यूलोर्ज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड ड्यू टू डाइस्टेज सो द सेकेंड स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन एंजाइम के फंक्शन बताने उनको मैच करना है करेक्ट तो इसका आंसर होगा क्या बी तो ये बताना है हमें क्या बताना है इसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंजाइम करेक्ट पेयर छाटनी है तो आंसर है बी ई कोली रेस्ट्रिकसन एंडो न्यूक्लीज सेकेंड तो ये क्या करता है कट्स डी एन एट ए स्पेसिफिक प्लेस ये एक स्पेसिफिक प्लेस पे क्या करता है डी एन ए को कट करता है रेस्ट्रिक्सन एंडो न्यूक्लीज ईको आर सेकेंड प्रोनाउंसड ईको आर टू भी बोलते हैं इसको An enzyme of restriction modification system, naturally found in Escherichia As, coli, are a special class of enzyme that recognize and cleave cuts DNA at a specific place. They produce small well-defined fragments of DNA and help to characterize genes and genomes. There and that produce recombinant DNA. नेक्स्ट है इसको भी मैच करना है एंजाइम दे रखे हैं और उनको बताना है कि कौन क्या काम करता है तो इसका आंसर होगा इसका आंसर है ए e. एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं आंसर यह है टाइलिन टाइलिन एमाइलेज एंड एमाइलेज इन द सेलाइवा सेलाइवा में पाया जाता है दैट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू टू एंड माल्टोज जो कि स्टार्च को डैक्स्ट्रीन और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है पैप्सिन एन एंजाइम दैट स्प्लिट प्रोटीनस इंटू प्रोटियोसिस प्रोटियोसेस एंड पैप्टोन्स पैप्सिन क्या है ये भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को प्रोटियोस या पैप्टोन में तोड़ देता है रेनिन ए प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम सेक्रेटेड बाय द किडनी किडनी के द्वारा सेक्रेट किया जाता है ये रेनिन दैट कन्वर्ट एनजियोटैंसिनोजें इंटू एनजियोटैनसिन जो एनजियोटेंसी है उसको एनजियोटेसिन में ये कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीटोसिन ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टेरियर लोब ऑफ द पी टी ग्लैंड के द्वारा ये क्या किया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है दैट स्टीमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूटेरस ठीक है नेक्स्ट है मैच करना है विटामिन दिए हैं और विटामिन को दूसरे बताना है कौन सा इनमें विटामिन है कौन सा एंजाइम है कौन सा हार्मोन है ये मैच करना है तो इसका आंसर क्या है बी है क्या है कैरोटीन क्या है, क्या है? विटामिन है और पेप्सिन एंजाइम है प्रोटा प्रोटाजेस्ट्रॉन क्या है प्रोगेस्ट्रॉन प्रो प्रोगेस्ट्रॉन क्या है ये हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं इसको हिंदी में ना और कैराटीन क्या है ये एक प्रोटीन है ठीक है तो मैच कर लेंगे क्या है विटामिन कौन सा है हार्मोन है प्रोजिस्टेरोन प्रोटीन है कैराटीन और एंजाइम है पेप्सिन और विटामिन है कैरोटीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन बॉडी गैट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड इज स्टोर्ड इन किस में होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और कहाँ स्टोर होता है ये लीवर में ठीक है नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन क्या इसका द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द ह्यूमन बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड इज स्टोर्ड इन द लीवर ग्लाइकोज इज ए सिंपल शुगर इन कार्बोहाइड्रेट वंस कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जोर्ड फ्रॉम फूड दे आर कैरियड टू द लीवर फॉर प्रोसेसिंग एनर्जी जी स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी तो ये है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन इज द प्रिंसिपल स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और एनर्जी इन ह्यूमन्स इट इज इस्टोर्ड इन लीवर एंड मसल सेल्स एंड कैन भी कन्वर्टिड टू ग्लूकोज हाउ इज लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन टेन डेज अगर हम डेज से ज़्यादा फास्ट रख लेते हैं तो हमारे लीवर को कैसे अफेक्ट करता है तो ग्लूकोज लेवल इन लीवर डिमिनिश ग्लूकोज का जो लेवर है लेवल है लीवर में क्या होता है कम हो जाता है ग्लूकोज लेवल इन लीवर डिमिनिश्ड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन टेन डेज रिसर्चर फाउंड दैट ड्यूरिंग फास्टिंग द लीवर इज़ बिजी प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज फ्रॉम इट्स स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है ये क्या करता है उस टाइम पे फास्ट के टाइम पे ग्लूकोज उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है इन द एबजेंस ऑफ डाइटरी सुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज इज ऑबटेन फ्राम द ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन इज ए रीडली एक्सेसिबल स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज स्टोर्ड इन द नोटेबल क्वान्टिटीज़ इन द लीवर एंड स्कीलेटल मसल वैन द ग्लाइक्रोजन रिजर्व इज डेप्लीटेड ग्लूकोज कैन बी ओपटेंड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स फ्रॉम एडिपोज टिशू फैट्स आर ब्रोकन डाउन इंटू ग्लिसरोल एंड फ्री फैटी एसिड्स विद द ग्लिसरोल बींग ट इंटू ग्लूकोज इन द लीवर वाया द ग्लूकोजेनिसिस पथवी वैन इवन ग्लूकोज मेड फ्रॉम ग्लिसरोल रिजर्व स्टार डिक्लाइनिंग the liver start producing ketone bodies ketone bodies are short chain derivatives of the free fatty acids and can cross the blood brain barrier meaning they can be used by the brain as an alternative metabolic fuel after 2 or 3 days of fasting the liver begins to synthesize ketone bodies from precursors obtained from fatty acid breakdown during starvation फॉलोविंग डेप्लीशन ऑफ हैपेटिक ग्लाइकोजन एमिनो एसिड बिकम द मेजर श्योर्स फॉर ग्लूकोज होम्योस्टेसिस आफ्टर सेवरल डेज ऑफ फास्टिंग ऑल सेल्स इन द बॉडी बी गन टू ब्रेक डाउन प्रोटीन दीज रिलीज एमिनो एसिड इंटू द ब्लड स्ट्रीम ब्लड स्ट्रीम में अमिनो एसिड को रिलीज कर देती है विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज बाय द लीवर एज स्टारविशन प्रोग्रेस ग्लाइकोजेनेसिस डिमिनिश इन द लीवर बट इंक्रीज इन द किडनी एज द नीडिड फॉर द अमोनिया एक्सी एक्सिक्रीशन इनक्रीज एक्सीक्रीशन इनक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन गलब्लेडर प्राइमरली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ स्टोन जो है ह्यूमन गैल गैलब्लेडर में जो इस्टोन प्रजेंट होती है तो हमारे डाइजेशन को कैसे इफ़ेक्ट करती है ये बताना है तो इसका आंसर है फैट्स गैल स्टोन आर हार्ड पेबल लाइक पीसीज ऑफ मटेरियल यूजुअली मेड ऑफ कहाँ थे गैल स्टोन्स आर हार्ड पेबल लाइक पीसीज ऑफ मटेरियल्स यूजुअली मेड ऑफ कोलेस्ट्रोल एंड बिलीरुबिन द डेवलप इन द गैल ब्लेडर वहन गाल इस्टोन गैल स्टोन ब्लॉक द बाइल डक्ट द बाइल सीक्रेटेड बाय द लीवर डॉक्स नोट रीच टू डेड्यूनम द बाइल इज़ प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट जो बाइल है वो फैट का डाइजेशन करता है दस दौन्स प्रिजेंट इन द गल ब्लेडर प्राइमरली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ फैट ये जो स्टोन होता है गालब्लेडर में हमारे वो फैट के डाइजेशन को अफेक्ट करता है इस तरह से विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है तो ये लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की द लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी द लीवर इज अबाउट ट्वेंटी टू सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फिफ्टीन सेंटीमीटर वाइड रेडिस ब्राउन ग्लैंड वेटिंग अराउंड वन पॉइंट फाइव के जी इट प्लेज एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ बाइल ठीक है नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज कौन सी है लीवर बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्गन तो ये गाल ब्लैडर में होता है बाइल बाइल कहाँ स्टोर किया जाता है गाल ब्लैडर में बाइल इज ई फ्लूड दैट इज मेड एंड रिलीज बाय द लीवर एंड स्टोर इन द गब्लैडर इट इज स्टोर्ड एंड कंसेंट्रेटेड इन द ग ब्लैडर यूनिट विच इज नीडिड टू डाइजेस्ट फूड इन एडल्ट ग्लड और मेजर अप्रोक्सीमेटली एट सेंटीमीटर्स इन लेंथ एंड फोर सेंटीमीटर इन डायमीटर नेक्स्ट बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी तो लीवर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये लीवर में नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोविंग अब इनमें से देखना है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन ठीक है ये बताने ये जो स्टेटमेंट कहे गए हैं वो किसके लिए मतलब ट्रू हैं किसके लिए करेक्ट हैं तो दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इट्स सेक्रीशन कम्स आउट फ्रॉम ए करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ सेल्स एंड इज एल्कालाइन इट्सक्रीशन इज सेड टू तो बी कम्प्लीट डाइजेस्टिव जूस दिज करैक्टरिस्टिक्स आर ऑफ ये किसकी करेक्टरिस्टिक है ये बताना है तो ये हैं पेंक्रियाज की द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड वायल पेंक्रियाज इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी लीवर पहले नंबर पे है लार्जेस्ट और सेकेंड नंबर पे कौन है पेंक्रियाज द पेंक्रियाज इज ए ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द वर्टीब्रेड्स इन ह्यूमन्स इट इज़ लोकेटेड इन द एबडोमिनल कैविटी बिहाइंड इस्टोमच द पेंक्रियाज इज आल्सो ए डाइजेस्टिव ऑर्गन है बी सेक्रेटिंग पेंक्रियाटिक जूस दैट इज एल्कालन इट्स शैक्रीशन इज सैड टू बी कम्प्लीट डाइजेस्टिव जूस ठीक है नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पॉन्स टू द प्रजेंस ऑफ एच सी एल शैक्रीटिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्यूरेनम या एंटर एंट्रोगेस्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल इंटेंस्टाइन इन रेस्पॉन्स टू द प्रिजेंस ऑफ फैटी एसिड्स तो ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है तो दोनों ही क्या हैं करेक्ट हैं वन एंड टू ठीक है सैक्रेटिन इज सिंथेसाइज इन क्रिप्टोप्लाज्मिक सैक्रेटरी ग्रैनुल्स ऑफ एस विच आर फाउंड इन मेनली इन द मुकोसा ऑफ द डेडूनम इट इज रिलीज्ड इन टू सर्कुलेशन एंड और इंटेंसटिनल ल्यूमेन इन रेस्पॉन्स टू एसिडिटी लो ड्यूडेनल पी एच Which is due to hydrochloric acid in the chyme and enters the duodenum from the stomach. Its primary function is to neutralize the pH in the duodenum, allowing digestive enzyme from the pancreas to function optimally. And true gastrone is a hormone secreted by the mucosa of the duodenum. First secretion. फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मुकोसा के द्वारा ये सेक्रेट किया जाता है कौन सा एंट्रोजेस्ट्रोन और मुकोसा कहाँ है ये ड्यूडोनम का पार्ट है इन द लोअर गैस्ट गैस्ट्रो इंटेंसटीनल ट्रैक्ट वहन फैटी एसिड्स आर इन द स्टोमज और स्मॉल इंटेंसटाइन इट इनहिबिट्स द कोडल फॉरवर्ड और एनलवर्ड मोशन ऑफ द कंटेंट ऑफ चाइन ठीक है तो ये थी आपकी बायोलॉजी का ये था थर्ड था पार्ट आज इसमें हमने दो तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और बायोलॉजी के कम से कम सिक्स या सेवन पार्ट आएंगे जिनमें बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पार्ट शुरू कर देंगे ठीक है आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें Thank you so much.